मेरे जेवर सच में विजयवाड़ा में मिल जाएंगे ना? पूरा विजयवाड़ा छान मार के तुम्हारे जेवर मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, ओके? पता नहीं कब से देख रही हूँ किसी हीरो की तरह बड़े बड़े डायलॉग्स मारे जा रहे हो और इतनी देर से कार भी नहीं रुका पाए तुम। कार रोककर लिफ्ट मांगना इतना इजी लगता है क्या? एक बार रोककर दिखाओ तो पता चलेगा। रहने दो। रहने दूं? बहुत ज्यादा पोज मार रही हो, तुम ही ट्राई करके देखो पता चलेगा। हाँ? नेक्स्ट जो भी गाड़ी आएगी ना, चाहे कोई भी हो, मुझे देखकर रुक जाएगा। बेट? $1000। डन। भाई लड़की। हेलो, आप मुझे विजयवाड़ा तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। आ जाओ, हम दोनों ही हैं बस। शशिरेखा, इसमें नहीं, दूसरी गाड़ी में जाएंगे। दूसरी गाड़ी के लिए घंटों इंतजार करना होगा। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। शट अप। Let's go! जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम श्री राम। ये क्या है चंडी चाचा, सडनली सुबह सुबह उठा कर ले आए, इतना क्या अर्जेंट काम है? मुझे क्या पता था, तुम्हारे पापा ने कल रात को 12 बजे फोन करके कहा कल सुबह 6 बजे तक मेरी बेटी मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने वार्निंग दे दी। मैंने उनसे पूछा बात क्या है, तो उन्होंने कहा बात नहीं बताऊंगा तो नहीं लेकर आएगा। मुझे, मेरे बाप को, मेरी नानी को, सारे लोगों को बहुत गालियाँ दी। मुझे तो चक्कर आ गया। वैसे इतनी भी कौन सी रहस्यमयी बात है जो आपको नहीं पता? देखो तुम्हारी चाची की कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी कसम मत खाइए। तुम चिंता मत करो, इतनी जल्दी नहीं मरोगी। चाचा जी ये मेरे सेकंड टर्म के इंटरनल्स हैं, मिस हो जाएंगे तो। ये सस्पेंस क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चाचा जी यहाँ इतना डेकोरेशन क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। किसकी शादी है? किसकी शादी है? कस्तूरी की। लास्ट मंथ उसकी एंगेजमेंट भी हुई थी। यही सरप्राइज है क्या? हमारे घर के सामने इतनी चहल पहल क्यों है? कहीं हमारे पिताजी फिर से शादी तो नहीं कर रहे? पर ऐसे अचानक लाने की क्या जरूरत है? क्या चल रहा है यहाँ पर? तेरी बहन से शादी की तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। पिछले 20 साल से मैं तुझे झेल रहा हूँ। उसे ही दहेज कहते हैं। दहेज की ऐसी की तैसी। हर चीज के लिए मुझे क्यों मारते हो? शशिरेखा, शशिरेखा आ गई। शशिरेखा बेटी आ गई क्या? अरे तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी है शशिरेखा, तुम्हारी शादी। ऐसे बाहर क्यों रोक रखा? अंदर चलो, शशिरेखा, अंदर चलो। शशिरेखा वही रुको, लड़का बहुत जल्दी करो। अमेरिका में रहता है, 3 महीने पहले राजा मुंद्री में सूर्य नारायण मामा की बेटी की शादी में गए थे ना हम। वो लड़की अब अमेरिका में रहती है, उसका पति और ये लड़का बहुत अच्छे दोस्त है। थू करो तू। उसके घर में उसकी शादी की सीढ़ी में उसने तुम्हें देखा। उसने तो जिद ही पकड़ ली है कि शादी करेगा तो तुमसे ही करेगा। तुम रुको, उसके माता पिता को मनाकर तुमसे शादी कर रहा है, पता है क्या हो गया? क्या शशिरेखा हटो रे हटो, उसे सांस तो लेने दो, थोड़ा आराम करने दो, नहीं तो मेरी प्यारी नातिन को रात को नींद आएगी। शादी के वक्त फिर क्या होगा? आज रात ही शादी है। हाँ शादी का रिश्ता और उल्टी दोनों ही कभी रुकते नहीं है, ऐसा कहते हैं। आज रात शादी है, 3 रात हमारे घर में रहना होगा, उसके बाद 3 रात उसके घर में रहना होगा, फिर 7वें दिन तुम्हें अपने साथ जहाज में ले जाएगा। तो किस्मत खुल गई, तू फर्स्ट नाइट अमेरिका में मनाने वाली है। शर्मा हाँ, कितने नसीब वाली हो बेटी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ। अरे फॉरेन के संबंध कैसे हैं आजकल, देख तो रही हो ना दीदी। हाँ राम राजू जी ने दूसरी लड़की की भी अमेरिका में ही शादी करवाई थी और आज वो उसे कितनी तकलीफ दे रहे हैं, पता है ना। हाँ वो लड़की दिखने में ठीक ठाक है, मेरी बेटी तो सुनो सुनो। इतनी जल्दी शादी क्यों करवानी है? अभी नहीं तो फिर कब करेगी? अब तो 20 साल की हो गई है, मेरी तो 14 साल में शादी हो गई थी, पता है। हाँ। कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई भी नहीं करूँ क्या? उसमें क्या है, शादी के बाद अगर तुम्हारा पति मानेगा तो पढ़ लेना। आप मुझे इतनी जल्दी यहाँ से ऐसे अचानक मुझे यहाँ पे ले आए, मेरी शादी करवा रहे हैं, मुझे मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होने दे रहे हैं। कम से कम अमेरिका वाला लड़का तो कौन है, कहाँ है, देखना तो पड़ेगा ना। अरे वो DVD लेकर आना। तो वो लड़का कह रहा है कौन सी नौकरी कर रहा है, कितना कमा रहा है, सब कुछ उसने खुद ही बताया है। तुम जाओ, ये DVD उसने खास तुम्हारे लिए भिजवाई है। अमेरिका में तुम्हारा घर कितना अच्छा है, पता है क्या? राजकुमार खुद तुम्हारे पास आया है, तुम मना मत करो बेटी। इसमें है क्या? है कमीना कहीं का, मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। उसने मुझे वहाँ CD में देखा और मैं यहाँ उसको DVD में देखूंगी। घर संसार इंटरनेट पर चलेगा क्या? मुझे ये शादी नहीं करनी। कहीं तुम्हारा किसी लड़के के साथ वहाँ पर मार डालूंगी। मुझे पता है मेरी बेटी, सुनना सुनना, तुम्हें एक बात पता है क्या? तुम्हारा नाम शशिरेखा है, उस लड़के का नाम अभिमन्यु है। नाम भी देखो कितने अच्छे से मिल गए हैं, तुम दोनों की कुंडली भी अच्छे से मिल गई है। क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है क्या? बाप रे क्या मुझे हुआ? ये शादी नहीं करनी, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे ये शादी नहीं करनी। ज्यादा होशियार बन रही है क्या? चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। तू यहाँ तेरा क्या इरादा है? 6 महीने किसी के साथ रंगरलियां मनाना, पेट से हो जाना और उसके बाद शादी करना। तुझे मैं पागल नजर आता हूँ क्या? और डालूंगा मैं तुझे। और तुम्हारी वजह से ही बिगड़ी है ये। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। आजकल समय बदल रहा है, अगर वो पढ़ेंगी तो अच्छा समाज बनाएंगी। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि वो भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगी। सुनिए क्या अच्छा काम कर रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये बिगड़ गई है। और देखा इसने क्या क्या कहा, शादी नहीं करूँगी मैं। तू हर बीच में जाए, क्यों शादी नहीं करेगी? 12 इज्जत से कह रहा हूँ मैं, अगर आज रात शादी के मंडप में बैठेगी तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर मार कर तुझे सूली पर लटका दूंगा मैं। सबने बिगाड़ रखा है। गनावरन के सरकारी अस्पताल जैसा है। अच्छा यही है क्या गेस्ट हाउस? वो कह रहे समझी जी। अरे ऐसे धीरे धीरे क्यों उतर रहे हो? गाड़ी से उतर रहे हो या हवाई जहाज से? समझी जी वो, अरे बाप रे यही पे है क्या? गांव के बाहर बैंड बाजे के साथ आप स्वागत करोगे ऐसा हमने सोचा था। गोदावरी के लोगों में बहुत मर्यादा है लेकिन जो पानी आप खाने में डालोगे वो पानी हम पियेंगे नहीं, हमें सब पानी सूट नहीं करता। इसीलिए समझी जी ने बिस्लरी बोतल हमें मिला नहीं, इसलिए गोदावरी का पानी ले आए हैं। अरे हमें गोदावरी का पानी पसंद नहीं है। क्यों, गोदावरी से कोई दुश्मनी है आपकी? ये वही है ना जो तुम्हारी बीवी के साथ दहेज के रूप में घर में आया है। तो फिर ऐसा ही कुछ हमारे बेटे के साथ भी करोगे क्या? आपके बेटे के लिए कोई खतरा नहीं है, इनकी ही बेटी है वो। बच गया। क्यों आप लोग गोदावरी के गेट के पास खड़े होकर ही बातें करते रहोगे क्या? वो क्या है कि इस घर में हमारे लोग रह ही नहीं पाएंगे। अमेरिका से बहुत लोग आने वाले हैं, वो कहाँ रहेंगे बताओ? हाँ, अंदर लगवाए हैं ना। हाँ, तो अंदर करंट का क्या? करंट 2 बजे तक आ जाएगा। जनरेटर नहीं लगवाया है? वो भी 2 लगवाए, उसमें भी डीजल डालना पड़ता है। डीजल के लिए हमारा आदमी क्यों में खड़ा है, जैसे मिलेगा वो आएगा। इसलिए मैंने कहा समझी जी शादी हम अपने खर्चे पर बहुत धूमधाम से करेंगे, कहा था ना मैंने, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। आपने क्या कहा था? मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर में ही, मेरे गांव में ही शादी होनी चाहिए। मेरा बेटा भी जिद करने लगा कि वो यहीं शादी करेगा और आपने भी मेरा हाथ बांध दिया। ज्यादा मत बोलिए। अरे ज्यादा कहाँ बोल रही है, अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं ना समझी जी। हाँ वो ठीक है जी। चलिए रिवाज के मुताबिक सबसे पहले हम मुंह मीठा करते हैं। तुम क्यों खम्बे के जैसा सेंटर में खड़ी हो गई हो, अंदर जाके तैयारी करो ना। रीति रिवाज तो ठीक है लेकिन दहेज का क्या? क्या दहेज? अरे बैलेंस अमाउंट बच गया था ना, वो शाम को मंडप में। शाम तक तुम जिंदा रहोगे या मैं जिंदा रहूंगा इसकी क्या गारंटी है? शादी नहीं रुकनी चाहिए ना, इसीलिए कह रहा हूँ। मुझे फॉलो करना छोड़ के मनी को फॉलो करो, समझ गए ना? सिर्फ मुंह मीठा करवाने से कुछ नहीं होगा। अगर शादी करनी है तो मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। दीदी जीजू ने बाकी के पैसे मंगवाए हैं। क्यों, क्या हुआ? क्यों, अगर बताऊंगा नहीं तो पैसा नहीं दोगी। वहाँ पर मुझे बाहर खड़ा करके रखा हुआ है, वो लोग मांग कर रहे हैं। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ये शादी नहीं हो सकती। फिर कौन करेगा इससे शादी, समझ गई तुम? देख क्या रही है, पैसा निकालो। ये लो। घटिया लोग हैं वो। वहाँ पर जीजू ने मुझे कितनी गालियाँ दी पता है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ये रिश्ता बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। देखा आपने, पैसे नहीं देंगे तो शादी नहीं करेंगे कह रहे हैं, कल पैसे नहीं देंगे तो मुझे साथ नहीं ले जाएंगे, हमेशा पैसे मांगेंगे वो लोग। आप समझ रही है कुछ? तुम चुप रहो, मुझे चिंता हो रही है। क्यों माँ? किसी भी तरह से आप बस मुझसे छुटकारा पाना चाहती हैं ना माँ? क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ माँ? समझी जी ये मशीन किस लिए? अरे पैसे गिनने वाली मशीन है, तुम्हें पता नहीं है क्या? बैंक में लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। बैंक पर वो बैंक की गड्डी है ना। मुझे सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना समझी जी। मामा जी खिड़की दरवाजे बंद कर दो, आजकल कैमरा लगे होते हैं खिड़कियों पर। और जमीन के दस्तावेज कहाँ हैं? उसी में देखिए ना। हाँ हाँ डॉक्यूमेंट्स पूरे करेक्ट हैं, पैसे भी पूरे ही हैं गुरुजी। अरे ऊपर से तीसरा नोट निकाल निकाल रे। ठीक है। ये क्या है? नोट है। हटा हुआ नोट क्यों दिया आपने? अरे देना दूसरा। ये लीजिए समझी जी। समझी जी अब करा दीजिए मुंह मीठा। चलिए खिलाइए है, अच्छी वाली मिठाई खिलाइएगा। दूल्हा अच्छा है इसलिए मैंने उसको बर्दाश्त किया। देखा उसने सब कुछ कैसे समेटा। क्या समझे आप, किस तरह का व्यवहार है देख लिया ना आपने। ऐसे घर में मेरी बेटी जाएगी तो क्या वो सुखी रह पाएगी? अरे उससे हम लोगों को क्या करना है, अरे जिंदगी रही तो एक आध बरस में या फिर नामकरण पे 2 या 3 बार मिलेंगे बस। वैसे भी हमारी बेटी उसके घर में नहीं रहेगी ना, अमेरिका में रहेगी। लड़का बहुत ही बुद्धिमान है ना, इतना बुद्धिमान है कि विजयवाड़ा में पैदा हुआ लेकिन पत्ते खेलने नहीं आते। हाँ। उसे पत्ते खेलने तक नहीं आते। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ जीजू। भरनाम मेरी जान खा रहा है। अरे भरनाम नहीं है जीजू। शशिरेखा, शशिरेखा, शशिरेखा घर से भाग गई। तूने उसे भगा दिया। यहाँ पे खंभे जैसे क्या खड़ा हो गया? जाके उसे ढूंढ के कहाँ गई वो? और उसे ढूंढ के यहाँ लेकर आ। अरे अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? वो सरफिरा आदमी है, पूरी तरह से सरफिरा है वो। बस करो। क्या हुआ समधी जी? बेटी दीवार फांद कर भाग गई ना? किसके साथ भागी वो? सेम कास्ट का ही है ना? चलिए अच्छा ही है, रहने दीजिए ना। अरे मैंने तो मना किया था, लेकिन यही लड़की चाहिए, यही लड़की चाहिए, ये जिद कर रहा था तुम्हारा बेटा। अब तो तुम खुश हो ना? अच्छा लग रहा है ना? अब चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा इनका। वो साड़ी तुम्हारी बेटी के लिए लाए थे, किसी गरीब को दान में दे देना। अब अगर मैंने कृष्णा नदी में डुबकी भी मारी तो भी ये तनाव कम नहीं होगा। वो तो यहाँ से जा रहा है, अगर वो गाँव से चला गया तो वो कौन है, हम कौन है? दहेज वापस ले लो। ऐसा लग रहा है जैसे लड़की के भागने से ये पागल हो गया है। किसे पागल कह रहा है? मैं नहीं हूँ। पहले पैसे दे। शर्म नहीं आ रही है क्या तुझे? पैसों को तू अभी तक हाथ में पकड़े हुए, दस्तावेज भी इसी में है, देख लो। रुको, बचा हुआ पैसा कौन देगा? तेरी माँ का पति। बचा हुआ मतलब? रिश्ता करने के टाइम पे जो 25 लाख दिए थे वो। अच्छा वो हम विजयवाड़ा पहुँच कर भिजवा देंगे। तू विजयवाड़ा पहुँचेगा या रहेगा या चला जाएगा किसे पता है? पैसे दे करके जाओ तुम। मतलब अगर हम पैसे नहीं देंगे तो तुम लोग हमें जाने नहीं दोगे? मारो ना इसे, मारो इसे, मारो, मारो। नहीं तो लिमिट पे रखो अपनी। दांत मत दिखा। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो गोदावरी में डुबो के तेरी में वही समाधि बना दूंगा, ये बात नोट कर ले। चलो चलते हैं यहाँ से। अगर पैसे नहीं मिले तो ये तो दुनिया से गया। हाँ नायडू जी मैं बोल रहा हूँ। अभी के अभी मुझे 25 चाहिए, 15 है क्या? अरे जल्दी से भिजवा दीजिए। मुरली जी। हाँ मुरली जी नमस्ते। 5 ही है क्या? जल्दी भिजवा दीजिए। हाँ रेड्डी जी नमस्ते है, जल्दी भिजवा दीजिए ना। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, 25 दे के ही जाऊंगा। हाँ देखो आ गए तुम्हारे पैसे, ले लो और गिन लो। मैं इंसानों पे भरोसा रखता हूँ। मेरे बारे में जो जानता है वो मुझसे पंगा नहीं लेता है। विजयवाड़ा में मेरी क्या हैसियत है शायद तुम नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ भूलकर तुम्हारे गांव में कदम रखा। उसके बाद भी तुमने मेरी बेइज्जती की, जमीन पर रंगोली में बैठा कर। मैं इसे नहीं भूलूंगा और तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। यह मत सोचना कि मैं तुझे हाथों से मारूंगा, अरे सेक्शन से मारूंगा। तेरी सेक्शन की तो सेक्शन वैक्शन हमको नहीं पता, हम तो सिर्फ चप्पल से ही मारते हैं। अच्छा देखते हैं। देख लेंगे ना। हाँ हाँ देख लेना। पहले तू निकल यहाँ से। अरे चलो भाई चलो। अरे देखे भी ना कैसे चल रही। हैदराबाद तक चलेंगे क्या? क्या दुल्हन भाग गई? देख के चलो ना, ठीक से बताना यार। ए, रुको रुको, सच्ची रेखा। चलो 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 यहाँ से ले चलिए। सच्ची रेखा रुको। अरे सुनो तो, जल्दी मुझे फोन दो। दिख गई। पे किसी के साथ है क्या? कौन है वो ये बता। तुम राम बाबू को फोन लगाओ। राम बाबू को। तू उसे जाने मत देना, उसका पीछा कर। स्लो रखो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। वैसे ये गाड़ी really very sorry, थोड़ी इमरजेंसी थी इसलिए। इमरजेंसी ठीक है, लेकिन ये गाड़ी मेरी नहीं है। आपकी नहीं है? तो फिर इतने आराम से बैठे क्यों थे? मतलब वो चोरी की है क्या? चोरी? बाइक की चोरी करते हो? दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हो। क्या कहा, दिखने में अच्छा हूँ? आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। वैसे शादी से भागने की क्या जरूरत थी आपको? मैं भाग नहीं रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये ड्रेस पहनकर फैशन शो में जा रही हो? कितने समझदार हो। अरे मेरी बात ध्यान से सुन। शशि रेखा धवलेश्वर में किसी के साथ दिखाई दी है? इतनी जल्दी धवलेश्वर पहुँच गई है क्या? मतलब मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई तो उसके मजे ले रहा है? इतनी जल्दी धवलेश्वर पहुँच गई ये पूछ रहा है? तू मुझसे वैसे बात करेगा? अरे उसको गोदावरी नदी पार करने से पहले पकड़, जल्दी पकड़ जा। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? So sweet of you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. रुको, वहीं रहना। फिर क्या हुआ? शशि रेखा रुको, चलो चलो जल्दी जाओ। शशि रेखा, शशि रेखा। अरे आपके लोग चलो जल्दी जल्दी चलो। वो देखो उधर वो रही। शशि रेखा रुको। अरे सुनो शशि रेखा जी, थैंक यू सो मच। अरे कोई बचाओ उसे। अरे कोई बचाओ मुझे। तैरना नहीं आता। बचाओ, मैं तैरना नहीं जानता। बचाओ। अरे देखो जल परी मेरे सामने आ गई। आँखियों से गोली मारे। चांदी जैसा रंग है तेरा। अरे भैया तेरी किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों ने देख लिया तेरे को तैरना नहीं आता। क्यों कूदा? अगर लड़की से प्यार किया था तो उसके माँ बाप से भी शादी की बात करनी चाहिए थी ना। ये क्या कि दोनों नदी में कूद गए, पगला गए हो क्या? अरे भैया बात वो नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना, वो दोनों घर से भाग आए हैं। अब यहाँ आने के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ जमा नहीं, इसलिए पहले वो कूदी बाद में ये कूद गया। कौन सा गाँव है तेरा? विजयवाड़ा। अरे मरने के लिए इतनी दूर आए हो? अरे वहाँ तुम्हारे पास है ना कृष्णा नदी, वहाँ पे कूद से बात करके शादी की बात। अरे इसके कारण तो मेरी बीवी मुझे डांटेगी। बोलो मैडम क्या चाहिए? ओ बैग चाहिए। अच्छा आप अकेले क्यों आई हैं? आपके पति नहीं आए हैं क्या? तुझे क्या करना है? वैसे ये बैग कितने का है? 300 रुपए कैश लगेंगे, क्रेडिट नहीं डेबिट नहीं, कैश लगेंगे। ये कितने का है? 200 रुपए कैश डाउन। कैश चाहिए या किस चाहिए? कैश। क्या कहा? कैश चाहिए या किस चाहिए? कैश तो सभी देते हैं, वो दूसरा वाला दे दो। रेडी? 1, 2 चीटिंग कर रही हो। हेलो 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 प्लीज 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 रुकिए रुकिए। कैसी दिखती है देखा ना? सिनेमा की हीरोइन की जैसी। पैसे ज्यादा मांगेगी ये तो चलना खड़ा क्यों है फिर? थैंक यू सो मच। हैदराबाद कितना? कितना? अब हाँ बोलिए ना। हम बोलेंगे तो बताओ, क्या तुम हमारी बात मान लोगी? वो मुझे रूट पता नहीं है ना, मेरा फर्स्ट टाइम है। क्या कहा? फर्स्ट टाइम? हाँ जी। क्या हुआ, रूट क्यों बदल दिया? हाँ तू चुप हो जा, नीचे उतर। नई लड़की दिख गई इसलिए। हाँ सुनो, 500 दूंगा, ओके है ना? 500 मुझे 200 देने के लिए रोता रहता है। देख लूंगी तुझे तो। तू उतर उतर। देख लूंगी, देखना। सुनो हा? तुम चढ़ जा। जीजी मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा ऐसे बोल रही है जैसे कि सती सावित्री हो। तू चुप रहे ना। सुनो हा? तुम इस टाइप की नहीं हो। जीजी तो इस तरह रोड पे खड़ी होकर तुम क्या कर रही हो? इस तरह कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा। तुम घर चली जाओ। ठीक है तू चढ़ जा। 200 एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है चढ़ जा। क्यों बे अकेली लड़की देखकर छेड़ रहे हो? इसके पीछे पड़े हो ना? ए, बोलने वाली तू होती कौन है? मैं कौन हूँ पता नहीं ना? जरा बता दो। लेडी कांस्टेबल हड्डी निकाल के ना ड्राई क्लीन करवा दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैं कांस्टेबल नहीं हूँ। तो फिर कॉन्वेंट में साइंस टीचर की नौकरी करती हूँ। पर उनसे तो ऐसा नहीं कहते तो वो भागते नहीं ना यहाँ से। वैसे तुम कौन हो? मैं हैदराबाद की हूँ। अच्छा। यहाँ एक टीवी शो के लिए आई हुई। पर ये रूट में हैदराबाद जाने वाली बस नहीं आती है। पास में एक जंक्शन है, वहाँ से हैदराबाद जाने वाली बस मिल जाएगी। मैं वहीं जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। ठीक है, थैंक यू। शशि रेखा, मेरा नाम मैरी है। नमस्ते। वो देखो वहाँ पे हैदराबाद के लिए बस रुकी है। बस में टिकट देते हैं, तुम्हारे बस में बैठने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। कोल्ड ड्रिंक पियोगी क्या? बहुत प्यास लग रही है। भैया दो कोल्ड ड्रिंक दे देना, गर्मी बहुत हो रही है ना। अनजान लोग अगर कुछ भी देंगे तो खाना पीना बिल्कुल भी नहीं। शशि रेखा नहीं, 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 मुझे प्यास नहीं लगी है। कोई बात नहीं, पैसे मैं दे दूंगी, पियो। आप पीजिए ना। ए, वो देखो, वहाँ पर, ए, रुक, चलो, चलो, चलो। वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की? वही जो अब तक आपसे बात करी थी वो लड़की। अब तक वो यहीं थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई। वैसे तुम कौन हो भाई? वो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? किसी लड़की को ऐसे अकेले छोड़ देते हैं? तुम्हें उसकी परवाह है? बेकार पति। जीजू आप चिंता मत करो और मुझे भी चिंता में मत डालो। मैं बच्ची को पकड़ लूंगा, कह रहा हूँ ना। मेरी बच्ची भाग गई है, यहीं पे कहीं होगी। 1 घंटे पहले यहीं देखी गई है और ये है इसकी फोटो। ये है। अब देख क्या रहे हो, जाकर कुछ तो ढूंढो यार, जाओ। राम बाबू, अरे मुंह में क्या दबा रखा है जो ऐसे बात कर रहा है? मतलब कोई तो लड़की। अबे तू 1 नंबर का लड़की बाज है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बोला वो करना। नहीं नहीं राम राम, वो सब छोड़ दिया ना मैंने। अबे तू क्या करेगा कैसे करेगा मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी बेटी को पकड़ के उसके हाथ पैर बांध के उसे मेरे सामने लगा, समझ में आया क्या? अबे ये फैमिली मैटर है, यहाँ वहाँ उसके बारे में कोई बात मत करना। इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। अब जल्दी पता लगा। हाँ जीजू, उन लोगों ने क्या कहा? एक काम कर, मेरे कान में बैठ जा। भरनाम कहीं का। भरनाम नहीं रे, आरनाम। आरनाम आरनाम, उसे मार दूंगा तो मेरी मुसीबत टल जाएगी क्या? आप कहाँ से हैं? विजयवाड़ा। मतलब आप इस इलाके के नहीं हो? ये विजयवाड़ा का इलाका तो नहीं है ना? करेक्ट। सुपर है कितना। मुझे क्या समझ रहे हो रे? सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। तो ये क्या काम है? अरे भाई बेटी की तरह है। ओह सॉरी। खो गई है? गुम हो गई है या भाग गई है? भाग गई है। मुझे लगा ही था। आपने इसे कहीं देखा है क्या? हाँ देखा है ना। कहाँ पर? अभी तो आपने फोटो में दिखा है। जो भी इसे ढूंढ के लाएगा मैं उसे बहुत पैसे देने वाला हूँ। क्यों, सिविल कॉन्ट्रैक्टर लोग इतना कमा रहे हैं क्या? 80-20। अरे वो सब छोड़ो यार, कहीं पर इसे देखा है तो बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगा। महाराजा श्री आकुला ताताबाई जी की एक लौती लड़की चिरंजीवी लक्ष्मी खुशनसीब आकुला वीरा वेंकटा नागर साथी साई शशिरेखा। एक ब्रैकेट में कंप्यूटर साइंस और दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट। और 4 घंटे में जो शादी होने वाली थी उसमें से भाग जाने वाली दुल्हन। आपके मामा श्री राम बाबूजी ये इलाका छान रहे हैं आपको ढूंढने के लिए। मेरी फोटो मस्त है। पकड़ने वाले को बम्पर इनाम। संपर्क करने का नंबर है 998। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? एक कान के नीचे लगाऊंगी ना, इतना खून गिरेगा कि तू मर जाएगा। मुझे ब्लैकमेल करता है? बहुत होशियार है तू। कान के नीचे मारेगी क्या? तुझे अब बताता हूँ, रुक। तेरी तो फोन करके 9987। नहीं नहीं नहीं। तो फिर सॉरी को तुम्हें? तुझे अभी बताता हूँ। हेलो अबुल अंकल। सॉरी। क्या कहा? सॉरी। गुस्से में भी सुंदरी दिखती हो। वैसे भाग क्यों रही थी? तुम्हें क्या करना है? मेरी फोटो दो मुझे। लव अफेयर है क्या? जी जी। बताती हो या अबुल अंकल को फोन करूं? हाँ? दरअसल हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए मेरे पापा मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवा रहे हैं जो तीसरी बार शादी कर रहा है। तीसरी शादी? हाँ, उसकी पहली बीवी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और दूसरी वाली भाग गई। ओह, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, एक अच्छी सी कॉफी पीते हैं। वैसे तुमने सुबह से कुछ खाया क्या? चलो कुछ खाते हुए बात करते हैं। देखो तुम्हारे मामा राम बाबूजी को यहाँ से जाके बहुत समय हो चुका है, अब तुम्हें पहचानने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। आओ। घूमना कहीं का। वैसे तुमने सच में होने वाले तीसरे दूल्हे के साथ सेट कर दिया था? तो फिर शादी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था? बस उतना ही या फिर कोई लव शव वाला मैटर? सॉरी सॉरी सॉरी। साहब क्या मांगता? क्या है? सब कुछ है। हेलो। इडली पाव इडली सांभर इडली डोसा मसाला डोसा रवा डोसा वड़ा मसाला वड़ा दही बड़ा पूरी चपाती परोठा भज्जी मिर्ची भज्जी कॉफी स्पेशल कॉफी टी स्पेशल टी दूध पानी सब कुछ मिलेगा। डोसा लेकर आ। ऐसा किसी ने कहा था? दो प्लेट इडली लेके आना। दो प्लेट इडली ठीक है इनके लिए। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाके इडली लाओ। एक प्लेट इडली। और एक्शन। अच्छा वो सब ठीक है, तुम्हारे जेवर तुमने बैग में रख दिए है ना? कुछ खा सकती हो ना, भूख नहीं लग रही है क्या? तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता? ये सब मेरे मामा ने बताया। वैसे मेरी फोटो आप मुझे दे सकते हैं, आपने अपने पास क्यों रख ली? मुझे पसंद आया, मेरे पास ही रहने दो। पर वो इडली तो सच में टेस्टी है, थैंक यू। क्या हुआ? लगता है बहुत भूख लग रही है। ठीक है खाओ। इसकी थी मतलब मैं इसमें कुछ दवाई मिलाकर तुम्हें खिलाकर बेहोश करके तुम्हारे जेवर लेके जाने वाला चोर जैसा लगता हूँ क्या? अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना, ऐसा मेरी नानी ने कहा था। तुम्हारी फैमिली के अलावा बाकी सब चोर है ऐसा कहा क्या तुम्हारी नानी ने? क्या फैमिली है। अब एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। हाँ मैं राजमंडरी के पास हूँ। क्या हुआ बताओ? बदमाश कहीं का। अरे परेशान मत कर, मैं नहीं आऊंगा, बाय। ए ये लड़की कहाँ गई? चली गई। क्या चली गई? मेरा बैग कहाँ है? वो बैग तुम्हारा था क्या? एक मिनट रुको रुको रुको, जा कहाँ रहे हो? जा कहाँ रहे हो? रुको रुको रुको। अरे छोड़ दे, मेरा क्रेडिट कार्ड पहले सब उस बैग में था यार, वो बैग लड़की लेके भाग गई। ऐसे बहुत लोग आते हैं समझा, बर्तन मंगवाऊंगा तेरे से, कपड़े धुलवाऊंगा, ऐसे तो ज्यादा बात कर रहा है, मुंह तोड़ दूंगा। चुप चोर उचक्के लफंगे बदमाश। अबे क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है तू मेरे साथ? वो लड़की मेरा बैग लेके भाग गई, अब मैं क्या कर सकता हूं? काम करना होगा तो मैं अमेरिका की तरह घंटे के हिसाब से काम कर दूं? काम करना इतना आसान समझा क्या? तू खाने के आइटम के नाम भी ठीक से नहीं बोल सकता। क्यों क्यों नहीं बोल सकता? इसमें कौन सी बड़ी बात है? देख इडली वड़ा पूरी माचिस। बोल बोल। वेटर का काम इतना आसान नहीं होता है, बड़े बड़े है मगर मेरे जैसा काम यहाँ पे आज तक कोई कर नहीं पाया है। शायद तू जाके मेरे मालिक से भी बात कर लो। और ये ले, बाकी के पैसे कब देगा तू? 15,000 की घड़ी दी है मैंने, अब मुंह बनकर अपना चल जा। इसकी तो रुक 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 रुक, शशि ने कहा। मिल गई क्या? मार डाला क्या मुसीबत को? अरे शांत हो जाइए, अपनी लड़की को कहीं मारते हैं क्या? बचपन में कितनी बार भाग गई थी ये, इसीलिए तो लोग तुम्हें लड़कीबाज कहते हैं। लड़कीबाज कहीं का, देख उसे साथ रख और संभाल के उसे घर लेकर आ, समझा कि नहीं समझा? जीजू बहुत खुश है। अरे धोखेबाज शशि रेखा, कैसी हो? सब ओके ना? चल बैग दे। वो बैग मुझे चाहिए। तो मुझसे बात करो। तो तुझसे क्या बात करो? वो लड़की ने क्या किया पता है तुझे? बात करता हूँ। अरे मेरा बैग। अरे मेरे बैग तो। अरे सुनो तो। चलो चलो चलो। अरे चलो मैं क्या कर सकता हूँ? उस लड़की ने मेरी बैग चोरी किया। अरे बाप रे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे टच मत करना। मेरे अंकल राजमंडरी के एसपी हैं। सुनो तो, एक फोन कर दिया तो सब लोग खत्म हो जाओगे। पहले बात को वहाँ तक कहाँ ले जा रहे हो? मैं लड़की का मामा हूँ, आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। शशि रेखा भाग गई, वो देखो। शशि रेखा, शशि रेखा, शशि रेखा, शशि रेखा, बहुत बड़ी चोरनी है ये तो। रुक, अरे रुक, तेरी तो मेरा पर्स और बैग लेके भाग जाएगी क्या? उस सर्वेंट से मैंने तेरे वजह से कितनी गालियां सुनी। 15,000 रुपए की वॉच चली गई। मेरी माँ ने गिफ्ट की थी मुझे वो। लोग चेक करने दे। पैसे कहाँ गए? सॉरी 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 मेरी नहीं चलेगा। इसमें जो पैसे थे वो कहाँ चले गए? मैंने कपड़े खरीद लिए। कपड़े खरीद लिए? तेरी तो तेरे जेवर जाकर कहीं गिरवी रख दूंगा। और मुझे छोड़ बोला ना तुझे चमड़ी उधेड़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर किस? यहाँ तक बात चली गई क्या? मुंह तोड़ दूंगा तेरा। उठक बैठक कर, उठक बैठक कर। नो नो ओके तो फिर जेवर बेच दूंगा। ओके ठीक से 5, 6, 100 100 निकालना होगा। 8 हो गया क्या? अरे लुक क्या दे रही है देख। मेरे सामने ऐसा पोज में मत दे। ये कौन है? इसने मेरा बैग ले लिया है और मुझे छेड़ रहा है। हाँ, हाँ, ये तेरी सपोर्टर है क्या? लेडी कांस्टेबल है। अरे बाप रे। जेल में डालकर तुझे ड्राई क्लीन कर देंगी। अच्छा अच्छा। तुम्हारा पति नहीं है क्या? ये छी क्यों क्या कह रही है? आपको छेड़ रहा है। इसके जेवर वापस कर दे। तो तू बोली कि मैं दे दूंगा क्या? तुम्हें पता है इसने क्या किया? थप्पड़ लगाऊंगा एक। जैसे कि तेरे पुलिस वाले यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर ये टकलू कौन है? ये क्या उखड़ लेगा मेरा? क्या कहा? भाग गए? अभी तो तुमने कहा था तुम्हारे साथ है। मिली थी जीजू, पीछे मुड़कर देखा था वो हमें चकमा देकर के भाग गई। पीछे मुड़ने तक ही भाग गई। ए, लड़की के मिलने के बाद उसके साथ रहने को कहा था ना तुझे, तो पीछे क्यों मुड़ा तू? ऊपर से कहता है कि जीजू आप भी तो बचपन में कितनी बार भागे थे। अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तो पीछे मुड़ा क्यों? तुम मुझसे क्या पूछ रही है बता? तेरी हिम्मत कैसे भी पूछ रही है। किसको पूछूंगा जीजू? ऐसे पीछे मुड़ा और फिर से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मुड़ा क्यों? अबे तू मुझे एक बात ये बता, कहीं तूने उसकी चेन वेन चुरा के तो उसे नहीं छोड़ दिया? कितनी अजीब बात है ना। मुझे तो लगा था कि तुम एक धोखेबाज हो और उस धोखेबाज को मैंने असली स्कूल टीचर समझ लिया। मेरा दिमाग खराब हो गया था। इसलिए हमें संभल के रहना चाहिए। फिलॉसफी झाड़ रहे हो? मेरे जेवर जब तक मेरे हाथों में थे तब तक सेफ थे। जैसे ही तुम्हारे हाथों में आए वो लेकर भाग गई। अब मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे सारे जेवर अब तुम मुझे किसी भी तरह लौटाओगे वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओके ये कैसा कटिंग है? तो क्या गांव की लड़की है कुछ भी नहीं कही ऐसा सोचा था? बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है मैंने काकीनाडा कॉलेज पता है? हाँ। और तुम कुछ भी करो पर मेरे जेवर मुझे वापस चाहिए वरना मैं चिल्ला कर यहाँ सबको इकट्ठा करूंगी। कहाँ भाग रहा है? हाँ स्टेशन जाके कंप्लेंट करने के लिए। चलो इसीलिए लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाने देना चाहिए बुजुर्ग कहते हैं और तुम बात ही नहीं सुनते। फिर शुरू हो गए। जवान लड़की और माचिस की तिल्ली एक जैसी होती है गुरुजी कहते हैं। लड़कियों को घर के अंदर और माचिस की तिल्ली को डब्बे के अंदर रहना चाहिए। अगर बाहर आ गई तो समझो जला देती है। वैसे इतने जेवर पहनकर रोड पर अकेली घूमोगी तो लोग तो देखकर लोभ में आ ही जाएंगे ना। सही कहा। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ होगा। अभी तक बचा नहीं होगा। बेच दिया होगा। बेच दिया होगा? इनका हिस्सा कितना है ये पूछो। अरे उसको कोर्ट में लेकर जाओ यार। सर, ये सब क्या है? दिन दहाड़े अगर चोरी हो जाए तो आप कुछ भी नहीं करोगे क्या? माता के जेवर के चोरों का तो ये पता अब तक नहीं लगा पाए। आपके जेवर का पता इन्हें नहीं ऊपर वाले को लेकर जाओ यहाँ। वैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्या सर? मैं क्या करूँ तुम ही बता दो। तो ये हम बताएं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, मैं ही करता हूँ। ये देखो अब तक आपने जो भी बात की है वो मैंने फोन कैमरे में शूट कर लिया। अरे ये क्या किया? मोबाइल तो इधर। अरे आज को 9 बजे टीवी में देख लेना सर। अरे बाप रे, अरे रुको रुको बैठो मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हारी कंप्लेन लिखता हूँ। क्या कहा? मानगुरी 7 तोले का जेवर जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाकर तुमको दूंगा। वो वीडियो मुझे दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। इनको बोल दीजिए ना मैडम। तुमने उसे अच्छा मजा चखाया गधा कहीं का। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे तुम्हारे जेवर मिलेंगे नहीं। हाँ क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे जेवर? तुम फिक्र मत। हेलो बॉस 1 मिनट आओ 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 आओ। कोल्ड ड्रिंक बोल दूं? पुलिस को कोई पूछता ही नहीं है। हम गिरे हुए हैं क्या? क्या पिएगा? मैं और महेश बाबू सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अच्छा गए जेवर कहाँ मिलेंगे ये मैं बता सकता हूँ। हाँ। गोरी सी थी ना, मोटी सी थी ना, सीटी बजाई थी ना, उसके बाद बाइक पर एक टकलू भी आया। कोला था वो उसका दूसरा सेटअप। ये कोला कहाँ मिलेगा आप कुछ बता सकते हैं क्या सर प्लीज? लड़कियों को तो वो लोग हैदराबाद में बेच देते हैं। रिक्शा मोटरसाइकिल को वो लोग चोर बाजार में बेच देते हैं। अब आप लोग जेवर की बात कर रहे हो। उसे वो विजयवाड़ा के कालेश्वर मार्केट के बगल में चिंताकालिया रवि को बेचे होंगे। मुंह बंद करके मेरी बात सुन। कालेश्वर मार्केट, चिंताकालिया रवि, कोला, 7 तोला जेवर, ब्लैक बैग। जल्दी से एसपी अंकल से बात कर, शाम तक जेवर मिलने चाहिए। 7 तोले जेवर है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। मैं भी एसपी अंकल से बात करता हूँ। चलो फोन रख। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही? मेरी परनानी का हीरा, मेरी परदादी का नेकलेस, मेरी नानी का झुमका, मेरी माँ का कमरबंद, सब 100 साल पुराने थे। 7 तोले के जेवर। मुझ में ही बिल्कुल अकल नहीं है। सब घर पर ही छोड़कर आ सकती थी ना मैं। जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो गया। जी, I'm a very bad girl। कोमोकल हूँ मैं। इसलिए मेरी माँ हमेशा कहती है कि तू एक पागल लड़की है। मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी, गलती कर दी। मेरी माँ को अगर पता चलेगा कि जेवर खो गए तो। अरे तुम देखो, रो मत शशि रेखा प्लीज। तुम रोगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। उस चोर ने क्लू दे दिया ना कि कहाँ मिलेगा वो। शाम तक मैं किसी भी तरह तुम्हारे जेवर लाके दे दूंगा। वो सारे जेवर लेकर तुम जल्दी से अपनी माँ के पास चली जाना प्लीज। शशि रेखा रो मत ऐसे। मैं अपनी माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? तुम अपनी माँ से बात करोगी? उन्हें मैं फोन करूँ क्या? नहीं, अगर मेरे पापा को पता चलेगा तो वो मुझे। पापा को पता नहीं चलेगा तो ओके है ना? वो कैसे? शशि रेखा ऐसा करे कि मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था, और उस राम बाबू ने कहा था मुझे फोन करेगा, फोन नहीं आया उसका अभी तक। सबके सब नालायक हैं। हाँ, हेलो भैया जी, नमस्ते जी। कनकम जी को फोन देंगे। कौन? ये क्या भैया जी, मुझे पहचाना नहीं है आपने? अरे नाम नहीं बता सकती हो क्या? मैं हूँ सीता रत्नम। अरे हाँ, लाइन 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 पे ही रहना। ए सुनो, फोन पे कोई है? पता नहीं, कोई रत्नम है। जीजू भरणम तो मेरी जान लेके। जीजू, अरे भाड़ में गया उसका नाम यार। जीजू, एक आदमी ने जंक्शन में शशि रेखा को देखा क्या? हाँ, चल चलो चलो, कहाँ पे? जल्दी चलो जंक्शन के पास। हेलो, बात करो। माँ, शशि रेखा रो क्यों रही है बेटी? क्या हुआ? आपकी आवाज सुनकर रोना आ गया। कहाँ पे हो तुम बेटा? कहीं पर भी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आनंद नाम का एक लड़का है मेरे साथ। लड़का? घबराओ मत, बहुत अच्छा लड़का है, पर थोड़ा सा टेढ़ा है बस। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हैदराबाद जा रही हूँ। हैदराबाद क्यों? घर आजा, शादी कर ले, मेरी बात मान ले। मैं अब उस घर में लौटकर कभी भी नहीं आऊंगी। माँ, ऐसा मत करो, माँ की बात मान लो। आप चुप रहिए माँ, और पापा को कुछ भी मत बताइएगा प्लीज प्लीज। फोन रखिए। सुनो बेटा। अरे सुनती हो? अब फोन दे दो। So sweet of you. Thank you. मैंने जितना कमीना सोचा था उतने नहीं हुआ। गॉड, प्लीज मेरे सारे जेवर मुझे वापस मिल जाए, किसी भी तरह मुझे वापस मिल जाए। वो बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। अगर मुझे मिल गए ना तो मैं 100 नारियल फोड़ूंगी। प्लीज 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 गॉड। आनंद। आनंद पुराना नाम है, तुम पर सूट नहीं होता। अच्छा थैंक्स। तुम कौन से गांव से? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा बोला तो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? श्री लक्ष्मी को मारने वाला मनोहर विजयवाड़ा से ही है। हाँ। और 1 महीने बाद किसी लड़की पर एसिड डालने वाला वो आदमी भी विजयवाड़ा से ही है ना? हाँ। और हाल ही में वो टीवी एंकर हाँ? उस दिन उस बेचारी मीना कुमारी का गला काटकर और कल उस आयशा का। तुम्हारे विजयवाड़ा में बहुत हिंसावादी लोग हैं। हिंसावादी मतलब विजयवाड़ा के लड़कों को लड़कियों को मारने के अलावा कोई काम नहीं रहता है। विजयवाड़ा मतलब सिर्फ वो कमीना मनोहर अकेला है क्या? विजयवाड़ा के बारे में तुम्हें असल में पता ही नहीं है। हार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेसी, फाइनेंशियल फील्ड्स में कितनी ग्रेट पर्सनालिटीज है, तुम्हें पता भी है क्या? विश्वनाथ सत्यनारायण जी, लेजेंडरी पोएट, वही पड़गलू, रामायण कल्पवृक्षम, साक्षात हमारे बड़े एनटीआर जी के गुरुजी, विजयवाड़ा, जलसूत्रम रुक्मिणीनाथा शास्त्री जी, उनका नाम तुमने सुना है क्या? अमरावती की कहानी लिखने वाले संक्रमणचयम सत्यम जी, वो भी विजयवाड़ा के ही हैं। रेबेलस राइटर गोरा लवनम, उनकी डॉटर हेमलता लवनम, तेनेती हेमलता, रेंटाला गोपाल कृष्णा, शुद्ध तेलुगु के गाने यंकी और नंडूर सुब्बाराव जी, ग्रेट जर्नलिस्ट टुर्लापाटी कुटुम्बाराव जी, स्वाति के संपादक वेमुरी बलराम जी। संगीत के बारे में सोचो तो ग्रेट मंगलमपल्ली बाला मुरली कृष्णा जी, इंटरनेशनली फेमस श्रीरंगम गोपाल रत्नम और विंजामुरी लक्ष्मी। साइंस में जाओगी तो केएल राव जी, वर्ल्ड फेमस इंजीनियर। स्पोर्ट्स में जाओगी तो कोनेरू हम्पी। सोशल रिफॉर्मिंग में जाओगी तो अय्यदेवारा कालेश्वरा राव जी, कालेश्वर मार्केट उनके नाम पे रखा गया है, पता है ना तुम्हें। सिनेमा में जाओगी तो आंध्रा के बड़े भैया द ग्रेट एनटी रामा राव जी, के राघवेंद्र राव जी, हास्य निर्माता जंध्याला जी और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। अरे बताने के लिए तो और बहुत कुछ है, अगर मैं बता दूंगा ना तो जिंदगी भर विजयवाड़ा में क्यों नहीं पैदा हुई इसलिए कूट कूट के रोगी। मनोहर कह रही है, मनोहर है? बहुत बहुत शुक्रिया, घंटे भर से वेट कर रहे थे, एक व्हीकल नहीं मिला हमें। ऐसा होता है भाई। कहाँ जाना है? हाँ, विजयवाड़ा तक। आपकी बेटी है क्या? हाँ बेटा। शादी कब हुई? आज सुबह हुई, अनवरम में। हाय, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज्ड है जी। दहेज कितना दिया? 20,000? नहीं, लाख। 20 लाख? हाँ जी। सिगरेट पीता है क्या? नहीं पता। नहीं पता? तो फिर दारू पीता है? कभी कभी फ्रेंड्स के साथ। बीवी को मारता है क्या? चीची, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, शुरू शुरू में सब ऐसा ही कहते हैं और फिर धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। वैसे ही करता क्या है? मेरा मुर्गी का फार्म हाउस है। मैंने तो सुना है कि बर्ड फ्लू की वजह से सारी मुर्गियाँ आजकल मर रही हैं। हाँ जी, पिछले सीजन में हमें बहुत लॉस हुआ था। लॉसेस? अच्छा, तुमने वो टेस्ट तो करवा लिया है ना? टेस्ट? कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट बेटी? एड्स का। HIV? कैसी बात कर रही हैं? क्या चीची कर रहे हो? HIV टेस्ट के बिना शादी करना क्राइम है, पता है क्या तुम्हें? हाँ पता है। सच है क्या? ये क्या है? सॉरी करवा लूँगा। अरे क्या तुम क्या कर रही हो? जैसे मुर्गियों को बर्ड फ्लू होता है वैसे दूल्हों को एड्स हो सकता है। शादी से पहले पता नहीं ये कहाँ कहाँ जाकर घुमाएगा। तेरी तो वो कितनी सीधी है, उसे कुछ भी नहीं पता। शशि, शादी को लेकर तुम्हारे मन में इतने डाउट्स मुझे नहीं पता था। तो शादी करनी होती है, संसार बसाना होता है, खाना बनाना होता है, परोसना होता है, हाउसकीपिंग करना पड़ता है, इन लॉज का ख्याल रखना होता है, बच्चे पैदा करना होता है, उन्हें पालना होता है। और अगर बाई चांस लड़की का पति किसी काम का नहीं निकला तो जॉब करके उसे पालना भी पड़ता है। Oh my God, big responsibility। Actually, जो तुम कह रही हो वो करेक्ट है। और उस पर उस आदमी को दहेज भी देना पड़ता, इसीलिए मैं अपनी शादी से भाग कर आ गई। आज के जमाने में भी दहेज मांग रहे हैं क्या? कैश 50 लाख और 20 एकड़ जमीन, जेवर प्लस फॉर्मेलिटीज। अच्छा, इसलिए मैं भाग कर आ गई और शादी कैंसिल। अरे भैया आराम से, आराम से। थैंक यू सो मच चाचा जी। थैंक्स की क्या जरूरत है, आपके बैल बहुत अच्छे हैं चाचा जी। वो क्या न किसी फिल्म में एक हीरो ने कहा था, बिना पैसे मांगे बिना धरने पर बैठे, किसानों का भला करने के लिए सिर्फ उन्हें बैल ही दे दो। क्या बात है। अच्छा चाचा जी, मैं चलाऊं? तुम चलाओगी? लो पकड़ो। हाँ पकड़ो शशि, आराम से। हाँ लो। हाँ अरे आराम से, इधर इधर। हाँ ठीक से, ठीक से। हाँ धीरे धीरे। अरे संभाल के। चाचा जी, वो गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही है। अरे जाने दो बेटी, सबकी अपनी स्पीड होती है। चाचा जी हम हार जाएंगे। इसमें हारने वाले क्या बात है चाचा जी, प्रेस्टीज क्वेश्चन। ऐसी बात है, आप चलिए। तो फिर देखो रुके 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 रुके, कौन है आप लोग? ये सब क्या है? Sorry about this. We actually need a couple of room. So just we met with a small accident. So just want to wash up. So ज़्यादा style मत मारो. हम दोनों को सिर्फ एक room चाहिए. हमारे फूफा जी की बेटी शशि रेखा एक आदमी के साथ हमारे होटल में आई हुई है. आप लोग जल्दी से आ जाइए. क्यों आई हो यहाँ पे? मुन्ना मत। सॉरी, ड्रेस के लिए थैंक्स कहने आई थी. थैंक्स बाद में, तुम पहले बाहर जाओ. जाओ. थैंक्स फॉर द ड्रेस. अरे कहीं देख तो नहीं लिया? शट वो दोनों अभी अपने कमरे में ही होंगे. बिना आवाज के ऊपर चलो और उनको पकड़ लो. क्या हुआ? क्या राम बाबू जी? मैंने उन दोनों को जैसे ही देखा तुरंत फोन कर दिया था. अरे क्यों शशि, कहाँ ले जा रही हो? सॉरी, कहाँ जाना है? आओ चलो ना. चलो संभल के चलो जल्दी चलो. अच्छा शशि रेखा, ये तो शशि रेखा के कपड़े हैं. चलो देखो. एक मिनट रुको. अरे चिंता मत करो. अब क्या करेंगे? शशि रेखा प्लीज कूल डाउन. शशि रेखा कहाँ चली गई? वो नहीं आ रहे. वो आ जाएंगे. कहाँ जा रही हो? वो लोग उधर होंगे. चलो चल के देखते हैं. चलो तुम वहाँ ढूंढो. जाओ. डर लग रहा है. 1 2 3 शशि रेखा. हाँ चलो चलो चलो. शशि रेखा वही तरफ आ रहे हैं. 7 शशि रेखा क्या कर रही है? अरे मेरे पैर खिसक रही है. अरे बाबा मुझे बचाओ. शशि रेखा मैं गिर रहा हूँ. मेरे पैर घिसक रहे हैं. शशि रेखा छोड़ो मुझे. प्लीज हे भगवान बचाओ. शशि रेखा आराम से. एक मिनट. शशि रेखा आराम से. बाप रे. चलो अरे राक्षसी रुक जा. जीजू हमारी शशि रेखा यहाँ से भी भाग गई. तेरी बकवास मुझे बिल्कुल नहीं सुननी है. गधे कहीं के. जीजू बकवास करता है. बैटरी खत्म हो रही है. मेरे जेवर सच में विजयवाड़ा में मिल जाएंगे ना? पूरा विजयवाड़ा छान मार के तुम्हारे जेवर मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा. ओके? पता नहीं कब से देख रही हूँ किसी हीरो की तरह बड़े बड़े डायलॉग्स मारे जा रहे हो और इतनी देर से कार भी नहीं रुका पाए तुम. कार रोककर लिफ्ट मांगना इतना इजी लगता है क्या? एक बार रोक कर दिखाओ तो पता चलेगा. रहने दो. बहुत ज्यादा पोज मार रही हो. तुम ही ट्राई करके देखो पता चलेगा. नेक्स्ट जो भी गाड़ी आएगी ना चाहे कोई भी हो मुझे देख कर रुक जाएगा. बेट $1000. Done. भाई लड़की. हेलो आप मुझे विजयवाड़ा तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? थैंक यू सो मच। आ जाओ, हम दोनों ही हैं बस। शशिरेखा, इसमें नहीं, दूसरी गाड़ी में जाएंगे। दूसरी गाड़ी के लिए घंटों इंतजार करना होगा। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। शट अप। तभी तुझे 4 थप्पड़ लगा के घर पे बिठाना चाहिए था, नहीं किया तभी तो ऐसी शैतान बन चुकी हो। मेरे पापा को कुछ मत कहना, डोंट यू डेयर। तो फिर तुम रोड पे घूमो, चमड़ी निकल जाएगी। क्या है क्या है? सबसे बात कर। तू कौन होता है मुझे मारने वाला? चलो जाओ। लड़की पर हाथ उठाकर अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा है तू। एक जैसे होते हैं, औरतों के सामने ही बड़े तीर प्रताप बनते हैं। वो दूल्हा भी बिल्कुल तेरे ही जैसा था, उसी की वजह से आज मेरी ये हालत है। और भागने के बाद मुझे तुम मिल गए। मुझे कहनी चाहिए वो बात, तुमसे मिला हूँ तब से मेरी 7:30 शुरू हो गई है। तुम्हें किसी ने पैर पकड़ कर रोका नहीं हुआ है, तुम ही बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो। ओके फाइन। कहाँ जा रहे हो तुम? पहले मेरे जेवर मुझे ला कर दो, उसके बाद जाओ। उसके बाद मर भी जाओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको बुलाना यहाँ पे। भैया भैया, गोपाल कृष्ण जी ने कोर्ट नोटिस भेजा है। कोर्ट नोटिस? कोर्ट नोटिस का आखिर मतलब क्या है? नॉन बेलेबल वारंट है। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब क्या होता है? अरे मुंह क्यों फेर लिया, जो पूछ रहा है उसका जवाब देना। श्री गोपाल कृष्ण जी के बेटे के साथ आप अपनी बेटी की शादी करवाने की बात करके मुकर गए। धोखाधड़ी करने के आरोप में मानहानि का केस। मतलब? नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है ये मिलने के 24 घंटे के अंदर विजयवाड़ा कोर्ट में अगर हाजिर नहीं हुए ना। नहीं हुए तो? हाँ नहीं हुए तो। हाँ बताना, नहीं हुए तो क्या होगा? आपको विजयवाड़ा की जेल में डाल देंगे। उसे लगता था कि ये गोपाल कृष्ण बहुत कमजोर है, सिर्फ हंसते रहता है। मेरी हंसी के पीछे का शेर उसे दिखाई नहीं दिया। चलो उधर चलते हैं, चल चल चल। यहाँ पे हे हाय, यहाँ आओ। हाँ बोलो, जेवर मिल गए क्या तुझे? एसपी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, बैग मुझे सब कुछ मिल गया। उन लोगों ने शुक्रिया अदा किया है और कहा कि काम बहुत अच्छे से हो गया। ये लड़की तो ये शशि, तुम्हारे बैग में सब सही है क्या? देखो, अरे मेरी बात तो सुनो, ये वो लड़की नहीं, कुछ नहीं शशि। क्या हुआ? ये मेरा भाई है, मतलब कजिन है, अब कजिन से भी बढ़कर है, दोनों में बहुत प्यार है, पर ये वो लड़की नहीं है। अबे ये कैसे भिगा दिया, क्या करता रहता है तू? शशि 2 मिनट, चल जाके धोते हैं, चल चल। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये लड़की उस वीडियो में आकुल वीर वेंकटा नाग सत्यसाई शशि रेखा एलियास रेखा, इतना तो मुझे भी पता है, मगर आगे सब कुछ अगर करेक्ट हो गया तो 2 दिन पहले मैं जिससे शादी करूंगा ये वो लड़की है। अच्छा, ये किसी के साथ घर से भागी है? अबे पागल, किसी के साथ नहीं भागी, वो बस भाग गई है। सडनली शादी करवा रहे थे तो चिंता करके डर के मारे भाग गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये लड़की और आप ये सब। वैसे हुआ ये कि अगर मुझे दहेज के बारे में पता चलता तो मैं झगड़ा करता, इसलिए मेरे पिताजी गोपाल कृष्ण जी ने ये सारा का सारा खेल रचा हुआ था। इसलिए शादी के लिए जब सब लोग अमलापुरम जा रहे थे, ये कहकर कि स्वामी जी से मन्नत मांगी है, राजमंडरी में उतारकर मुझे मामा और मामी के साथ अनावरम भेजा ना, वहां से डायरेक्टली मुझे शादी को आने के लिए कहा था ना, मेरे आने से पहले पूरी चिल्लर जमा कर लूंगा, ऐसा उनका प्लान था, तभी मुझे डाउट हुआ था। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की आखिर मिली कहाँ? अनावरम से अमलापुरम आते वक्त धवलेश्वरम में मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया। पानी की बोतल खरीदने के लिए मैं अपनी कार से उतरा था, सामने जिससे मैं शादी करने वाला था वो शशिरेखा दिख गई। मेरा माइंड तो फ्रीज हो गया, उसने मुझे देखकर पहचाना ही नहीं, टोटल कंफ्यूजन। असल में मेरी कुछ समझ में नहीं आया। उतने में तेरा फोन आ गया। किसके साथ भागी? वो सेम कास्ट का ही है ना। चलो अच्छा ही हुआ। हेलो, जो लड़की है वो घर से भाग गई। तुझे आने की जरूरत नहीं है, दुल्हन ही भाग गई है यार। दुल्हन भाग गई? हाँ वो भाग गई, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, उसके 2 दिन अफेयर्स पहले से चल रहे हैं। अबे असल में हुआ क्या, ठीक से बताओ। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, मैं बाद में फोन करता हूँ। तूने शशि के बारे में ऐसा कहा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका में नंदिनी की शादी के वीडियो में शशि रेखा को देखने पर मैं लॉक हो गया था। कितनी सारी सुंदर लड़कियों को देखा है, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसी लड़की से शादी करने का मन हुआ। So sweet of you. मैंने ही शशि की डिटेल्स पता करके बार बार मेरे पापा को समझाया था कि पापा आपके लॉयर के दिमाग को यहाँ इस्तेमाल किए बिना ही शादी फिक्स कर दो। अब जो शादी के लिए मना कर रहे थे वो तो मान गए, तो ही काफी है। ऐसा फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मार रहे थे और पीछे से ये ऐसी फिटिंग कर दी। शादी के नाम से फिक्र करने वाली शशि मेरे पापा की बातों से डर गई और भाग गई। मेरा भरोसा कभी गलत नहीं होता। शशि सुना है तो अब फिर सोच क्या रहा है? तुम ही दूल्हे हो, ये बात उस लड़की को बता सकते हो ना। चला जा। आनंद, थैंक यू सो मच। शशि, हाँ? अभिमन्यु पता है तुम्हें? वो कौन है? वही जिससे तुम शादी करने वाली थी। उसके बारे में अभी की बात कर रहे हो तुम? वो शशि, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली तुम जिससे शादी करने वाली थी वो अभिमन्यु हो, मैं ही हूँ। तुम? मैंने अपने डिटेल्स तुम्हें डीवीडी में भेज दिए थे, वो तुमने देखे नहीं? मतलब कल से तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे। मेरा कैरेक्टर कैसा है ये जानने की कोशिश कर रहे थे, मुझसे झूठ बोलकर मुझे फॉलो कर रहे थे। लेकिन वो... या फिर तुम दहेज के उन पैसों के लिए किसी भी तरह से मुझसे शादी करना चाहते हो, बताओ। नहीं मेरी बात तो जी, इतना बड़ा धोखा दिया। प्लीज शशि, मैं जो कह रहा हूँ वो एक बार सुनो तो सही। बाप रे, तब तो बहुत बुरा होगा यार। वही बात है, ए, 2 दिन से इस लड़की को देख रहा हूँ। ये 2 दिन की लाइफ डिज्नीलैंड के रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एवरी सेकंड इज लाइवली एंड एक्साइटिंग। कुछ भी हो जाए, इसी लड़की से मुझे शादी करनी है। नहीं, इस लड़की से मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है मानसिक तौर पर। उसके साथ मुझे असल में शादी करना है। मेरे महान प्रेमी, ऐसी लव स्टोरी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। अब आगे क्या करेगा तू? पता नहीं। ये ले यार 50,000 कैश और ये बस का टिकट। अब क्या करने वाले हो? वही क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो जा रही है, उससे रहने को कहूँगा तो गलत समझेगी। मैं भी साथ आता हूँ कहूँगा तो क्या कहेगी, इसका डर है। ये सब कुछ सोचकर मुझे रोना आ रहा है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। बताना क्या कर सकता हूँ मैं, प्लीज़? क्या करूँ मैं? ये सब फिक्र मत कर। चलो ना। एक मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। कौन है ये सब लोग? अरे ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हम सब एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी सिर्फ साइकिल से। साइकिल से? हाँ साइकिल से। एवरी वीकेंड हम लोग जाते हैं किसी अननोन जगह पे, और इस बार हमने एक लॉन्ग ट्रिप प्लान की है, एक एडवेंचर भरी ट्रिप। इसलिए सब लोग साइकिल से नागार्जुन सागर जा रहे हैं। हमारी छोटी सी जिप्सी गैंग है। मतलब नो कार्स, नो लग्जरी, नो होटल्स, टोटल नेचर। You know we love this stream, waterfall, rock climbing, music, dance, woohoo! बहुत मजा आता है यार। अच्छा है बे, मैं यहाँ पर सफर कर रहा हूँ और तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। कम से कम मेरी हेल्प तो कर दे। अरे यार ये प्रोग्राम मैंने ही सेट किया है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो बुरा मानेंगे। Hey dude, लेट हो रहा है। Come on man. I'm sorry यार, मुझे जाना ही होगा। चलो all the best. अरे सुन तो, अरे I'm very sorry माँ, इस बार आना मुमकिन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आऊंगी। गलत मत समझिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इट्स माय प्लेजर। एंड आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस लिए? मुझे कहना चाहिए तुम्हें सॉरी। बेवजह मैंने तुम पर हाथ उठाया इसलिए। नो आई एम सॉरी। नो आई एम सॉरी। नो नो। ओके। नो आई एम रियली रियली सॉरी। यू आर सॉरी, आई एम सॉरी। क्विट्स। फ्रेंड्स। देखो विजयवाड़ा में अगर मंदिर नहीं जाओगी तो हमारी देवी नहीं मानेगी। हाँ पर मुझे तो अभी हैदराबाद जाना है ना। बस के लिए और बहुत टाइम है। अभी मैं पता करके आया हूँ, टिकट भी बुक कर दी है मैंने। तो फिर हम मंदिर जाकर आए क्या इस ड्रेस में? चलो दूसरा ड्रेस खरीदते हैं। नहीं नहीं, ऑलरेडी तुमने बहुत खर्च कर दिया है मेरे ऊपर। और नहीं, ये भी उसी अकाउंट में गिन लो। सब मिलाकर एक ही साथ भेज देना, ठीक है ना? वो खरीदना है। थैंक यू। ये क्या है? समथिंग फॉर यू। अभी नहीं, तुम हैदराबाद जाने के बाद ओपन करना। ओके ओके ओके। आओ। यहाँ आओ। गले में पहन लो। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे मामा, मेरे फ्रेंड्स, मैं जिन लोगों को जानती हूँ सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। प्लीज 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 प्लीज। सॉरी 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 सॉरी। ये आनंद भी ना बहुत अच्छा इंसान है। ये जो भी चाहता है ना इसे दे दीजिएगा। ओम नमो भगवते। नहीं नहीं, ये गलत कर रहे हैं आप। आपको ये माला नहीं पहननी चाहिए और आपको भी ये माला नहीं पहननी चाहिए। क्या हुआ स्वामी जी? ये माला स्त्री के लिए है और ये माला पुरुष के लिए है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। हाँ तो बेटी आप अपनी राशि बताइए। शशि रेखा, तुला राशि। अभी आनंद और मकर राशि। गलत है बेटी। शशि रेखा तुला राशि भवा, आनंद मकर राशि भवा। अब बस भी करोगी क्या? मकर राशि श्री आनंद कुमार। तेल राशि से तो बहुत ही बेहतर है। तेल राशि नहीं, Sorry. I didn't mean that. Fraud? यहाँ आकर देवी के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है सच में। मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी सबके बारे में तो पता नहीं, पर दुर्गा देवी का मंदिर यहाँ होने की वजह से विजयवाड़ा बहुत अच्छी जगह है। हाँ, मुझे पता है। विजयवाड़ा, ये कितनी अजीब बात है ना, दुर्गा माँ जिस शहर में है इसी में वो भी है। वो कौन? वो मेरे ससुर जी। ससुर जी? वो जो होने वाले थे वो ससुर जी, श्री चल सानी गोपाल जी पापाला कृष्णा कर्क राशि। कर्क राशि? अच्छा। वैसे लगता है तुम्हें उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत ज्यादा, पैसों के लिए मेरे पापा को। उनसे बात करोगी क्या? तुम जानते हो उन्हें? मैं क्या, पूरा विजयवाड़ा उन्हें पहचानता है, सबके लिए सरदर्द हैं वो। नहीं। मन में कुछ भी रखना नहीं चाहिए, जभी का तभी क्लियर कर देना चाहिए, तभी हम लोग खुश रह सकते हैं। बिना नाम बताए फुटबॉल खेलो उनके साथ। हेलो। हेलो, क्या बे बटले कहेंगे और उस पर तेरा स्टाइल। हेलो। क्या कर रहा है बे? किसी के घर में जाकर हड्डी फेंक रहा है क्या? किस नंबर पे तूने फोन किया है पता है क्या? कौन है रे तो? विजयवाड़ा की कोनागो दुर्गा हूँ। तुझे पैर के नीचे कुचलकर, तेरी गर्दन काट कर, तेरी चमड़ी उधेड़ कर तुझे तुंगभद्रा में डुबा दूंगी। मम्मी ने कही कि सुबह सुबह तुमने मुझे गाली दिलवाने का इंतजाम किया है। दहेज चाहिए तुझे? कहाँ है तेरा बेटा? बुला उसे, उसे शर्म नहीं आती? कहाँ है तेरा लालची बेटा? जल्दी बुला उसे। ए, सी का मतलब चलसानी नहीं है, सेक्शन है। कहाँ है तू? जल्दी से बता, मैं वहीं आकर तुझे बताता हूँ। दुर्गा के मंदिर में हूँ बे। क्या कहा? दम है तुझे तो जल्दी से आ जा। ए, कान के नीचे होगी ना तो खून से लथपथ हो जाएगा। तेरी नानी याद आ जाएगी तुझे, कीड़े पड़ेंगे तुझे, कौवे नोच नोच कर खाएंगे, तेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। तेरे खानदान में किसी की शादी नहीं होगी, किसी के बच्चे नहीं होंगे, तेरा पूरा अरे फोन उठाकर तुझे बात करनी चाहिए थी ना। आपने ही तो उठाया था। तो इसमें मेरी गलती है क्या? ऐसा नहीं है साहब। खा तो लीजिए। आप क्या खिलाना चाहती है? पहले ही मेरा पेट भर गया, इसे तू खा ले। वो कौन थी? तू जल्दी से पता लगा। इतने लोगों को आपने धोखा दिया है उसमें से। हेलो पूजा। शशि, शादी से क्यों भाग गई तुम और कहाँ हो? ए, वो समय तुझे बाद में बताऊंगी। मैं भी विजयवाड़ा में हूँ। विजयवाड़ा? सब ओके है ना? हैदराबाद की बस लेकर सीधे वहाँ आ रही हूँ। अब ठीक 6 घंटे बाद कुकटपल्ली बस स्टॉप पर मुझे पिकअप करने आ जाना। कुकटपल्ली? यहाँ पे आ रही हो क्या? तो कह रही हूँ, ध्यान से सुन। ओके, मैं हैदराबाद अकेली आ रही हूँ और मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं। ओके, भूलना मत। बाय। ये लो साशी, टिकट, विंडो सीट। ये पानी, प्यास लगी तो पी लेना। मैगजीन्स, बोर हुई तो पढ़ने के लिए। फ्रूट्स, भूख लगे तो खाने के लिए। बस डायरेक्टली हैदराबाद ही जाएगी ना? नहीं, डायरेक्टली चेन्नई चली जाएगी। हाँ? स्ट्रेट हैदराबाद ही जाएगी। सॉरी। बीच में कहीं रुकेगी या नहीं? नॉन स्टॉप। लोग तो होंगे ना? बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। तो फिर अपने घर चली जाओगी? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हैदराबाद पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। ये लो, मेरा फोन नंबर इसमें है, संभल के। शशि, चिंता मत करो, डरो मत, और जेवर संभाल के रखना। हिम्मत से घर से निकली हो ना तुम, ऐसे ही रहो, ओके ना? से कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें कभी भी फोन कर सकती हूँ ना? तुम करोगी क्या? पता नहीं। बस का टाइमिंग पता करके आता हूँ। तो दुर्गा माँ इस शहर में है इसलिए सब कुछ ठीक है, वरना अगर वो इस शहर में रहता तो पूरे इलाके को बर्बाद कर देता। वो पता नहीं कैसी फितरत है उसकी। वैसे ये बता, बुढ़ा है कहाँ पर? अरे वो बुढ़ा जीजू शशीरा कहाँ पर है? अभी यही पे थी। क्या हुआ शशि? क्या हुआ? चलो मेरे साथ जल्दी इधर। अरे रुको, यहीं पर अरे किधर गई? शशि रखा वो जा रही है। शशि रखा हमारा भारत देश महान है। हमारे देश में गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्होंने आजादी के लिए शांतिपूर्वक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। दुनिया को शांति चाहिए, वर्ल्ड पीस। आज दुनिया में हर जगह हर इंसान शांति से जिंदगी जी रहा है। तुम अभिमन्यु हो ना? कैसे हो? मैं शशि रेखा का नाना जी। ये हमारे दामाद जी। असल में तुम कितने अच्छे दिख रहे हो। अरे भाई वो कहाँ है? आपने जीजू को भी बुलाओ ना। अरे कहाँ है शशि रेखा? ये देखो देखो, ये हमारे दामाद जी। तेरे बाप को तो देख लूंगा मैं। उसे छोड़ दूंगा सोच रहा है क्या? मैं गधा नहीं हूँ। गोदावरी के लोगों को भूख समझ रखा है क्या? तुम सबको देख लूंगा मैं। इससे क्या बात कर रहा है? चल चल चल। चलो जल्दी। अगर उसे पैदा होते ही छोड़ दिया होता ना तो बहुत अच्छा रहता। कितने प्यार से पाला था और देखा क्या हुआ? मुझे ही रोड पे ले आई वो। अरे थोड़ा शांत हो जाओ। वो हैदराबाद भाग रही है। हैं? जल्दी से कुछ करो जीजू। हैदराबाद भाग रही है। हाँ। राम बाबू को फोन कर। राम बाबू को फोन कर। वो देखो लेफ्ट पास चल प्लीज। वो देखो, रुक जा गाड़ी रोक। अरे रुको भाई, अरे रुको। शशि जल्दी आओ। अरे सॉरी सर, खराब है क्या तुम्हारा? वो सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ। रुको सर, लड़की को कुत्ते के साथ छोड़ दे। पागल हो गए हो क्या? पागल खाने से भाग के आए हो क्या? चलो शांति सर। अरे जाओ। आप तो सही है ना? बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। वर्ल्ड पीस। थैंक यू। वेलकम सर। बाय। वो कौन था? अरे वो जो भी हो तुम्हें उससे क्या? पागल हो गया तुम? अकल नहीं है तुम्हें? कुछ भी सोचती नहीं हो? कोई भी गाड़ी पकड़ के उसके अंदर चली जाओगी? आगे पीछे सोचना चाहिए ना। एक दूंगा रख के। अंदर बहुत बड़ा डॉगी था। पता मैं कितनी डर गई थी। वैन आगे जा रही थी और दरवाजा बंद किया था। इतना बड़ा डॉगी, चिल्ला भी नहीं पाई थी मैं। और तुम मुझे ऐसे डांट रहे हो? इतना बड़ा डॉगी था। सॉरी शशि रेखा, रो मत। ये पानी लो, पानी पियो, बैठो। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें कुछ हो जाता तो इसलिए मैंने डांटा। मुझे कितनी टेंशन हो रही थी जानती हो? वो वैन तुम्हें नेल्लोर तक लेकर चली जाती। वैसे भी ये सब क्या है शशि रेखा? जो सोचती हो वो कर देती हो, एक सेकंड भी सोचती नहीं हो। देखो, अगर तुम परेशान हो तो पहले 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक मन में गिनो और उसके बाद वो काम करो। वैसे करोगी तो डिफरेंस तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ओके ना? आई एम रियली रियली सॉरी। चलो पानी पियो। आखिर में उस खड़ूस की वजह से मुझे कोर्ट आना ही पड़ा ना। अरे लॉयर, तू कौन सा सेक्शन लेके लड़ेगा मुझे नहीं पता। वो पागलों की तरह रोड पे कपड़े निकाल के घूमना चाहिए पास। भैया, अरे तू चुप करना, पढ़ाया मुझे सिखाने वाला। वकील साहब, आप मेरी बात सुनिए, ये नॉन बेलेबल वारंट का कुछ करके भैया को बेल दिलाइए। शांत रहिए, आप चिंता मत कीजिए, ये केस हम ही जीतेंगे, नहीं तो हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। जीजू प्लीज शांत हो जाओ, मुसीबत है। 1 से 30 चलो, दूसरा तैयार। गुरुजी, हाथों से मारने पर चमड़ी निकल सकती है, सेक्शन से पंगा लेने पर चड्डी उतर सकती है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब इसे धीरे धीरे पता चलेगा। रंगोली पर बिठाया था, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। रास्ते पर बैठा कर मैं तुझसे भीख मंगवाऊंगा। मटका बनाने वाले मूर्ख। मटका बनाने वाला? अबे तेरी तो सर, ये कोर्ट है, ऐसी बात नहीं कीजिए। तेरी कोर्ट की तो ऑर्डर। जज साहब, उसे लगता है कि गांव वाले सारे मूर्ख होते हैं। मुझसे पैसे लेके मुझ पर ही केस कर रहा है वो। अरे तुम रुको ना यार। ऑर्डर ऑर्डर, अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे तो मुझे एक्शन लेना होगा। आप ही उसकी तरफ से बात कर रहे हैं। मिस्टर जस्टिस, द एक्यूज्ड मिस्टर ताथा भाई इज कॉजिंग कंसर्न टू द रेपुटेशन ऑफ माय फैमिली इन द पब्लिक। क्या कह रहा है ये सब? माफ कीजिएगा, अपराधी को हिंदी के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप अनुमति दे तो मैं हिंदी में बात करूँ। यू प्रोसीड। ओके मिस्टर जस्टिस, थैंक यू। मिस्टर जस्टिस, इस अपराधी का नाम अकुला ताथा भाई है। इन्होंने मुझसे झूठ बोला कि ये अपनी बेटी शशि रेखा की शादी मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ करेंगे। इनकी बात मानकर मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए, शादी की पत्रिका छपवाई और पूरे शहर में बांटी। उसके बाद बस हायर करके, कार्स हायर करके, रिश्तेदार, दोस्त, पूरे परिवार के साथ जब हम लोग विजयवाड़ा से अमरापुरम गए तो पता चला कि दुल्हन भाग गई। अरे बाप रे, ये कह रहा भाग गई। ऑर्डर ऑर्डर। फिर जब हमने अकुला ताथा भाई से कहा कि आप लोगों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तो इन्होंने हमें कोर्ट में जाने की धमकी दी और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में मुझे गाली भी दी। 20 सड़क पर मुझे रंगोली के ऊपर बिठाया, अगल बगल में गुंडों को खड़ा कर दिया, उनके हाथों में चाकू और हथियार देकर मुझे डराया और मुझसे कहा तुम्हारा चेहरा मेरी बेटी को पसंद नहीं आया इसीलिए वो भाग गई। और फिर कहा कि जब तक 25 लाख रुपए जो शादी में खर्च हुए हैं जब तक नहीं दोगे तब तक यहाँ से नहीं जा पाओगे। मैं बुरी तरह डर गया साहब और अपनी जान बचाने के लिए मैंने इन्हें 25 लाख रुपए दिए। उसके बाद मैं वहाँ से निकल पाया। तो क्या बकवास कर रहा है? मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा ऐसा कह के धोखा देने के लिए, चीटिंग केस सेक्शन 420 के तहत मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए, सेक्शन 499 500 के तहत आपके सामने ही मार दूंगा ऐसा धमकी देने के लिए, क्रिमिनल एक्ट 12 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 304 के तहत इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मुझे मेरे 25 लाख दिलवा दीजिए और साथ ही मेरी जान की हिफाजत कीजिए। यही आपसे मेरी विनती है मिस्टर जस्टिस। क्या यार वर्था राजू, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाँव के भैंस को अंदर डाल दिया गया है। कौन है ये? वैसे जो माता जी का मुकुट चोरी हुआ था उसका क्या हुआ बताओ? उन सबका केस तो सर, अरे पता है लोग अभी तक मुझे ही गाली दे रहे हैं। ट्रस्ट का मेंबर हूं ना। वैसे उस दिन जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने देखा था कि आप लोगों ने एक अपराधी को लेटाकर उसके पैरों के पंजों पर बुरी तरह से मारा था। उसके बाद जब वो मर गया तो लोगों ने झगड़ा किया था। सर उनका तो ट्रांसफर हो गया था ना सर। अरे फिक्र तो करना ही पड़ता है ना। क्रिमिनल्स आर ऑलवेज क्रिमिनल्स। मारना चाहिए, तोड़ फोड़ देना चाहिए, मार मार कर उनका सर तोड़ देना चाहिए। आप ऐसा ही करते हो ना? क्या है? अकुला ताथा भाई जी की जमानत के पेपर से छोड़ दो भाई। चलो, मुझे रंगोली पे बिठाया था ना, तुझे मैंने जेल की हवा खिला दी। सेक्शन से मारना इसी को कहते हैं। अरे साले साहब, अपने जीजू को ध्यान से लेकर जाना। क्या है कि इस बार मैं इन्हें छोड़ दे रहा हूँ। आनंद, क्या हुआ शशि? कोई बात नहीं, बोलो क्या हुआ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वापस मैंने 1 से 10 तक गिनती गिन ली है। सॉरी सॉरी, तुम ही करेक्ट हो। चलो बोलो। मुझे अब हैदराबाद जाना है ना। अब मुझे अकेले जाने से डर लग रहा है, क्या करूँ अब कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैं टैक्सी वाले को फोन कर रहा हूँ, वो विजयवाड़ा से आएगा तो उसे आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, लेकिन वो आ जाए तो टैक्सी में तुम हैदराबाद चली जाओगी, ओके ना? क्या हुआ? तो फिर मैं तुम्हें हैदराबाद छोड़ने के लिए साथ चलूं? वही पूछने के लिए तो सोच रही थी, पर कहीं तो मुझे डांटो ना इसलिए डर रही थी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। ओके, मुझे कोई काम नहीं है, मैं खाली बैठा हूँ। आनंद। यस, हनुमान जी के पास वो बुद्धा का मंदिर है ना? करेक्ट, वहीं पर हैं हम। जितनी जल्दी हो सके प्लीज जल्दी आ जाना। क्या हुआ? और आधे घंटे में टैक्सी आ जाएगी यहाँ पे। जय बजरंगबली। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? कोई लव अफेयर था? तो फिर एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन शादी करने से पहले वो मंडप से भाग गई, बस यही। ओके, आई एम सॉरी, आई डिडंट रियली मीन इट। ओह सॉरी। तो फिर क्या हुआ? एक लड़की बहुत पसंद है मुझे, पर उसे बताने से डर लगता है। डर क्यों? तुम्हें किस बात की कमी है? स्मार्ट दिखते हो, अच्छे इंसान हो, कोई भी लड़की तुमसे प्यार करेगी। सच में? तुम प्यार में गिरोगी क्या? सच में मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता है। इस बार कोई लड़की तुम्हें पसंद आए ना तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी, ओके? वैसे किस तरह की शादी करनी है? सच में बता दो, लेकिन बाद में तुम हंसना मत। मदर प्रॉमिस। मुझे अगर लड़की चाहिए तो हमारे भारतीय स्टाइल में और धूमधाम से शादी करनी है। शेरवानी पहनकर, शादी के मंडप में बैठकर, उस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाकर, उसकी उंगली पकड़कर, 7 फेरे लेकर, अरुंधति नक्षत्र देखकर, उस शर्माती हुई लड़की को अपने साथ लेकर फ्लाइट में बिठाकर अमेरिका जाकर लास वेगास में एक 7 स्टार होटल में टॉप मोस्ट फ्लोर पर एक सुपर्ब सूट में फर्स्ट नाइट मनाकर दुनिया में हर जगह हनीमून के लिए जाकर उस लड़की को एक देवी के रूप में देखकर एक लड़का और एक लड़की को पैदा करके हम दोनों उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा करके उसके बाद इंडिया आकर फिर से उन दोनों बच्चों की हमारे भारतीय स्टाइल में शादी करवा के वापस उन्हें अमेरिका भेज देंगे। उसके बाद कृष्णा नदी के पास 100 एकड़ नारियल के खेत खरीद के 2 नारियल के पेड़ के बीच में एक झूला बांधकर मेरी बीवी को कस के पकड़ के शांति से झूला झूलूंगा, शांति से। तुम्हारी जिस लड़की से शादी होगी वो बहुत खूबसूरत होगी। चलो लेट्स गो। हेलो, नमस्ते। हेलो, ग्रेट प्लेजर मीटिंग। आई एम A.Koti फ्रॉम BB कार्स। आपकी हायर की भी कार यही। थैंक यू। 1 मिनट, आप पीछे की सीट पे बैठिएगा, मैं आगे की सीट पे बैठ के ड्राइव करूंगा। हैदराबाद पहुंचने से पहले मैं सिर्फ 2 बारी रोकूंगा, मानी पहले दिन होगी, यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है। आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलिए, आई विल गो बैक। इट्स ओके सर, लेट्स गो। 1 मोर मिनट सर, लेट मी नो योर नेम्स एंड एड्रेस। हमारे नेम्स और एड्रेस क्यों चाहिए सर? हैदराबाद जाते समय कोई एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए तो? मर गए? मे बी। लेट अस बी प्रैक्टिकल, आप ही मेरे कस्टमर हैं, ये मीडिया को कैसे पता चलेगा? डिटेल्स चाहिए ना सर, टेल मी। नाम तो बंटी और बबली। बंटी एंड देखो, मैं बात कर रहा हूँ ना। इट्स आवर कंपनीज नेम सर। सॉरी सर, इट्स आवर नेम आल्सो। ग्रेट कोइंसिडेंस। याद है ना सर, आपको बैक सीट पर ही बैठना है। यस, दैट इज द बेस्ट। यहाँ पर अपनी कार क्यों रोकी सर? टैक्स भर के आता हूँ सर। टैक्स? कौन सा टैक्स? उसकी तो कोई व्हीकल टैक्स या रोड टैक्स होगा। क्यों भाई, तुम्हें अकल है क्या? टैक्स भर के आता हूँ बोला तो सीधे दारू पी के आ रहे हो। मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। चलो ऐसे चलो चलो। एक्सक्यूज मी मैडम, पीने वाला मत बोलिए, टैक्स पेयर बोलिए। टैक्स पेयर? यस, वी आर द टैक्स पेयर्स। रास्ते में हर दिन सिंसियरली टैक्स कौन भर रहा है पता है क्या? सिर्फ मेरे जैसे आदमी जो थोड़ा पीते हैं वही भरते हैं। हमारे स्टेट की आबकारी इनकम पर एनम कितनी है कुछ पता है? डू यू नो? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़। आप जिन रोड्स पर घूम रहे हैं, फ्लाईओवर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, पुलिस स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और आखिर में 2 रुपए किलो के चावल भी हमारी हेल्थ को बिगाड़ के आप जैसे लोगों से पियक्कड़ शब्द सुनकर अपमानित होकर हम पे कर रहे हैं टैक्स। प्लीज रेस्पेक्ट टैक्स पेयर्स। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर Let's see. ये तो क्या है सर? ये क्या हुआ? गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। तो रुक के रिपेयर करो ना। इट इज मैकेनिकल, आई एम ओनली ड्राइविंग। मैं रिपेयर नहीं कर सकता। दैट्स कंपनीज पॉलिसी। काहे की पॉलिसी? एक दूंगा तुझे रख के मैं। आनंद कंट्रोल योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी अंकल, कितनी देर में आ जाएंगे वो? नाइस ट्राई, स्टिल आई डोंट नो। डोंट बीट मी। तो फिर हम क्या करें? Waiting. Don't disturb sleeping people. It's a big scene. मर जाओ तेरी तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 मिनट। ये हैदराबाद का नंबर लग रहा है मुझे। हाय चंदा। हाय पूजा। सॉरी यार, मैं 2 दिन तक नहीं आ पाऊंगी। ये क्या कह रही है तू? मेरी फ्रेंड है शशि रेखा, कहीं दिक्कत बताने को कहो। ठीक है। ही तुझे पता है क्या, हमारी क्लासमेट शशि रेखा है ना, वो घर से भाग गई है। अरे बाप रे, कुछ मैरिज में प्रॉब्लम हुआ था। ये क्या कह रही है तू? वो शायद यहाँ पे आए इसलिए उसके रिलेटिव्स यहाँ पे आ गए हैं। वो लोग वहाँ भी पहुँच गए। सच में? मैं बता दूंगी। हमारी शशि रेखा कहीं दिखो तो बताने को कहना। हाँ, ठीक। बेचारे वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ओके ओके, मैं समझ गई समझ गई। जब वो लोग वहाँ से चले जाए ना तब तो मुझे फोन करना। ओके ओके ओके। अरे रुको 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 रुको, बात करना चाह रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। लगता है सिग्नल चला गया। घटिया सा फोन है ये। स्विच ऑफ कर दिया। कीप गोइंग। सची सची। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब बताओ क्या हुआ? वो मामा जी। जीजू, शशि रेखा अभी तक यहाँ नहीं आई और कब तक आएगी पता नहीं है। जीजू सिग्नल नहीं मिल रहा है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हे भगवान, मैं हैदराबाद नहीं जा सकती। चिंता मत करो, अब क्या कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब कहाँ जाऊंगी मैं? बताओ ना क्या। कम ऑन, पास करो पास करो। कम ऑन इस साइड। मुझे अरे इधर। अरे वाह, इसने क्या कर रहा है? ये आनंद यहाँ पर। हाय भाई, ये तो ही दुल्हन है। ये लो शशि, कोल्ड ड्रिंक। गाइस कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये देखो, शशि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, हम दोनों मिलकर हैदराबाद चले जाएं। वहां पर एक होटल में रूम लेकर तुम्हारे फ्रेंड के फोन का इंतजार करना। पर हम दोनों मिलकर एक ही होटल में रहेंगे तो ये अच्छा होगा कि नहीं, ये तुम सोच लो। मुझे लगता है कि यही करेक्ट है। नंबर 2, तुम मेरे साथ विजयवाड़ा चलो, मेरे घर में रहो। तुम्हारे फ्रेंड का फोन आते ही मैं तुम्हें वहां पर छोड़ दूंगा। नंबर 3, इस गैंग के साथ नागार्जुन सागर जाकर ये सैटरडे संडे उनके साथ हैप्पीली एंजॉय करते हैं। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तुम्हारी फ्रेंड जैसे फोन करेगी तो मैं उसके पास छोड़ दूंगा। ये तीनों में से कौन सा बेटर है ये तुम्हें डिसाइड कर लो। Hey guys, once again, हमारे साथ अब हमारा दोस्त आनंद भी साथ में आएगा। ये हाय हाय हाय। और ये है आनंद की दोस्त। सबको हाय बोलो। हाय। तो इन दोनों ने हमारे साथ 2 दिन गुजारने की रिक्वेस्ट की है। अब क्या करना है बताओ? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। तुम दोनों फ्रेंड्स हो या लवर्स हो या ऑलरेडी मैरिड हो? नो 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 नो, वी आर फ्रेंड्स। या फ्रेंड्स 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 मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? No 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 boyfriend, no boyfriend, no girlfriend. Sashi, we just we are just friends. Yeah. Just friends. Just friends. Huh? Yeah. Fantastic. Yeah. Okay. अगर आपको हमारे ग्रुप में आना है तो हमें आपके बारे में सब पता होना चाहिए। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? Yeah sure, no problem. I am. ऐसे नहीं, एक दूसरे के बारे में बताओ। मतलब उसके बारे में तुम और तुम्हारे बारे में वो बताए। इसका नाम है शशि रेखा। BSc कंप्यूटर साइंस काकीनाडा कॉलेज। ओके। लुक्स देख लिया ना, कोई भी प्यार में गिर जाएगा। ओह। लड़की बहुत ही अच्छी है बट एट द सेम टाइम इसे बहुत गुस्सा आता है। ओह। घर वाले इसकी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते थे इसलिए घर से भाग गई। सो हैदराबाद में इसके फ्रेंड के घर पे जाने तक मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आओ। क्या बात है। इसका नाम आनंद है। ओके। इसने कितनी बढ़ाई की है मुझे नहीं पता। यू कैरी ऑन। पर बाइक से फ्लिक करता रहता है। तुम जस्ट किडिंग, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। सो स्वीट। बहुत अच्छा इंसान है पर थोड़ा सा टेढ़ा है। Just get problem. Okay. Thanks, huh? Fine. What? No, thank you. विजयवाड़ा में आप आनंद चले क्या? हाँ चल। विजयवाड़ा में आप कहाँ रहते हैं? ये गलत है। चलो। बहुत अच्छा है सच में। It's the first time I'm seeing this. नागार्जुन सागर था। Yeah, मैं ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ पता है? हाँ या। हाँ ओके हाँ फाइन। ए वहाँ देखो क्या वो बोट है? Thanks a lot. किस लिए? आपका नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा? ओह माता जी बहुत पावरफुल हैं। शशि रेखा जी आपका नाम सच में बहुत अच्छा है। आप भी बहुत क्यूट हैं। आपको कुछ भी चाहिए होगा मुझे कहना, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। मुझे बुला रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे साथ रहना चाहिए ना। आगे आगे क्यों जा रहे हैं? अब क्या हुआ? संभल कर चला कर, गिर जाएगा। थैंक यू। अब मेरे साथ ही रहना ओके? तेरा कुछ नहीं हो सकता। चलिए यहाँ से। शशि शशि नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? हाँ। और तुम्हें उस दिन तो होटल के बिल्डिंग से फटाफट उतर गई थी तुम तो। उस वक्त जल्दबाजी में थी इसलिए, पर ये अगर गिर गई तो। नहीं नहीं मुझे नहीं करना। मुझे भी तो डर लगता है। और ये हार्नेस रोब और ये सब लोग हैं ना, वो देखो वो सारे लोग कितने आराम से उतर रहे हैं। और देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी रियल फन। तुम मेरे बगल में ही रहोगे ना? छोड़ो मुझे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। शशि स्टॉप इट, बिहेव योरसेल्फ शशि। तुम कौन होते हो? कौन हो तुम? ओह तुम्हें बुरा लग रहा है? हां शशि यू आर ड्रंक। अगर मैं किसी और के साथ डांस कर रही हूँ तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? जब तुम उस लड़की के साथ डांस कर सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं? मेरी बात तो सुनो। क्यों बताऊं? क्योंकि तुम लड़के हो और मैं लड़की हूं। वैसे तुम लड़के खुद को समझते क्या हो? मेरा बाप भी ऐसा ही है, कमीना कहीं का। वो जो चाहता है घर में वही होता है और मैं भी वही करती हूँ। वो अमेरिका के बंदर ने पता नहीं मुझे कहाँ देखा। हाँ मैं उसे पसंद आ गई और वो मुझसे शादी करना चाहता है। पर मुझे भी वो पसंद आना चाहिए ना, है ना? बोलो। पर मेरे बाप को ये बात क्यों समझ नहीं आती बताओ? वो उस गधे को इतना इम्पोर्टेंस देता है और अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं। हाँ? उसकी गाली देने से क्या मैं डर जाऊंगी? उसकी माँ की हम बात नहीं कर सकते क्या? हाँ? और तुम दोनों क्या बे? हाँ? जब देखो तब घुसर घुसर करते रहते हो। और ये जब से मुझे मिला है तब से मुझे भाभी भाभी कहता रहता है। क्यों कहता है? और तुम इसके पैर पर पैर मारते हो। क्या चल रहा है तुम दोनों में? हाँ? तुमने सोचा कि मैंने कुछ देखा नहीं है ना? तेरी तो तुम लड़के ना बिल्कुल गधे होते हो, अपने आप को बस हीरो साबित करते हो। मैं गिरी नहीं हूँ, पकड़ बे। ऐ बजा उस लड़की के साथ तूने डांस क्यों किया? हाँ जो लड़की दिखेगी उसके पीछे पड़ जाना होता है क्या? डॉग आई हेट यू। लड़कियों का ना दिल जीतना होता है, ऐसे ही वो प्यार में नहीं पड़ती। अगर प्यार में पड़े तो जितना हम दे सकते हैं उतना प्यार तो मर्द पूरे जन्म में भी नहीं दे सकते। लड़कियों को तुम इतना इजीली मत लो प्लीज। कुछ नहीं, वो दुर्गा वाटरफॉल के पास एंकल ट्विस्ट हो गई। अच्छा किसी के पास आयोडेक्स होगा तो प्लीज जरा इसके मूंछ पर लगा दो। आराम से बैठो। हाँ आराम से समझ गए। अच्छा यहाँ दर्द हो रहा है? बहुत पेन हो रहा है आनंद। अपने छोटे से गांव में और कुछ डॉक्टर का इंतजाम भी नहीं है। ठीक है, अगले 10 मिनट में एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, अगेन यू विल स्टार्ट जंपिंग। यहाँ नी के पास पेन है? नहीं है ना? नहीं है। ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। संभल के, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लो। आनंद, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है बोलो? ओके, 10 मिनट तक डोंट मूव योर लेग। ओके, देख लेना भाई। क्या हुआ सडनली? हमें जल्दी से हैदराबाद जाना चाहिए। अरे कमाल है, उन सब के साथ श्री शैलम जाना है ना? तुम जाओ, मैं हैदराबाद चली जाऊंगी। अकेली चली जाओगी? हाँ, मुझे 1000 रुपए दे दो। हैदराबाद जाने के बाद तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी मैं। ठीक है, जाने दो, मैं भी तो। जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। ए साइको, डोंट। बस हो गया। ए सॉरी गाइज, हैदराबाद से कॉल आया, अर्जेंटली शशि को जाना होगा, मुझे भी साथ जाना होगा इसके। आई सेड नो, बट वी एंड शशि हैड अ ग्रेट टाइम गाइज, रियली ग्रेट। ओके, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ। शशि फोन करना, आई वांट टू टॉक टू यू। I'm so sorry. Sorry? मैं आनंद से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही हूँ, इसीलिए तुम जा रही हो ना? हाँ? अब नहीं, मुझे उससे क्या, वो मेरा कुछ भी नहीं लगता। Really? झूठ मत बोलो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। You don't love him? हाँ? No? Then you just stupid. Sorry, I mean, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। But he's so cute. He's such a nice guy. You love him? Love? No. I just like him. And I know that you love him. Huh? And I hope you realize it soon. Anyways, all the best. मुझे असल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सडनली क्या हो गया तुम्हें? अभी के अभी तुम्हें हैदराबाद जाना है? अरे कैसे? तुम्हारी फ्रेंड का फोन आने तक हम लोग उनके साथ ही रह लेते ना। अरे हंस क्यों रही हो तुम? आई रियली डोंट लाइक इट। ओके, आई रियली डोंट। अगर गुस्सा आए या डर लगे तो 1 से 10 तक गिनती करने के लिए किसने कहा था मुझे? मतलब जो मैंने कहा वो तुम मुझे फिर से बता रही हो। 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या समझती हो खुद को? इनफ, ओके, आई कांट टेक इट एनी मोर। 8 तुम जैसी क्रैक के साथ इतनी दूर तक आने के लिए मुझे चप्पल से मारना चाहिए। 9 तुम्हें हैदराबाद तक छोड़ दूंगा, ऐसा मैंने कहा था ना। 10 मैं जा रहा हूं अपने रास्ते। जरूरत की चीजों के दाम कम होने चाहिए। जरूरत की चीजों के दाम कम होने चाहिए। महंगाई कम करो, कम करो, जरूरत की चीजों के दाम कम होने चाहिए। जरूरत की चीजों के दाम कम होने चाहिए। महंगाई कम करो, इस महंगाई को कम करो। जरूरत की चीजों के दाम कम होने चाहिए। जरूरत की चीजों के दाम कम होने चाहिए। महंगाई कम करो, इस महंगाई को कम करो। जरूरत की चीजों के दाम कम होने चाहिए। Oh! शशि, शशि, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहुत दर्द हो रहा है आनंद। कुछ नहीं, खून रुक जाएगा। डरो मत शशि। आनंद, मैं मर जाऊंगी ना। कुछ नहीं होगा शशि, मैं हूं ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा शशि। जज अब प्लीज, कुछ नहीं होगा। सिर पर मार लगने से इंसान मर जाता है, वो जिंदा नहीं बचता। ऐसा कुछ नहीं होगा शशि। मेरी फ्रेंड भी ऐसे ही मर गई थी। जस्ट शट अप शशि। प्लीज कोई हॉस्पिटल ले चलो यार। मैं अगर जिंदा रहती तो बिल्कुल भी नहीं कहती आनंद, और अब मैं मरने जा रही हूँ इसलिए कह रही हूँ। ऐसा ऐसी क्यों बात कर रही हो? इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरे लिए तुम गोदावरी में कूदे थे ना, कहते कहीं कि मैं तभी तुमसे प्यार करने लगी थी। मेरे लिए किसी ने कभी ऐसा नहीं किया आनंद। कुछ नहीं हुआ। जल्दी चलो यार, जल्दी चलो। विजयवाड़ा बस स्टैंड में मुझे पता है कितना रोना आया था। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी इसलिए। सचिन, सचिन प्लीज चलो। जल्दी चलो यार। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ आनंद, पर मैं लास वेगास नहीं जाना चाहती। मेरी नानी के पुराने घर की छत पर वो बहुत लकी है, पता है तुम्हें। जैसा कोई वैसा ही सही है। जरा जल्दी भागा ना रिक्शा। चाहिए तो हम सेकेंड हनीमून लास वेगास में मनाएंगे, ठीक है? कुछ नहीं होगा सची तुम्हें, कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी आनंद, मैं मर जाऊंगी। मुझे पता है मैं अब नहीं बचूंगी आनंद। आई लव यू, आई लव यू। कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी चलो यार, जल्दी चलो। शशि तुम्हें कुछ नहीं होगा शशि। शशि देखो देखो, हम लोग हॉस्पिटल आ गए। कुछ नहीं होगा शशि। Someone please call the doctor. सर क्या हुआ? Someone please call the doctor. अरे what is this rubbish form? She is bleeding. Please call the doctor. Take her inside and treat her immediately. Please go ahead. बात सुनिए, ये सब औपचारिकता है। पेशेंट का नाम क्या है? शशि रेखा। Okay, ये आपकी कौन है? She is my wife. She is my wife. कैसा होगा? रुको, तुम यहीं रुको। बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? उनके माता पिता को फोन किया तुमने? इससे पहले ही फोन किया था। ऑलरेडी सिटी में एंटर हो गए हैं, 10 मिनट में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अरे ठीक है, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली बेटा? कुछ वक्त के लिए यहीं पर रहो प्लीज। अरे बेटा। माँ। बेटा। बेटा तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। तो ठीक है ना बेटा? असल में क्या हुआ बताओगे? अरे बेटा, बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शशि रेखा। नहीं अंकल, अभी बेहोशी की दवा दी है, कुछ देर रेस्ट करना होगा। डॉक्टर ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। तो फिर उसे हॉस्पिटल लेकर कौन है? वो लड़का। क्यों रे, तेरे बाप ने तो मुझे जेल भिजवाया और तूने मेरी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया। तू मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठा रहे हो? उन्होंने मुझे मारा तो क्या गलत किया? बेटा, खुद की बेटी है उनकी। धूमधाम से अमेरिका में शादी करवाने के बारे में सोचा। शादी का नाम सुनकर लड़की डर के भाग गई, तो आप लोग डर गए और उसे फिर ढूंढने में लग गए। सडनली सर पे बड़ी चोट लगी और हैदराबाद में हॉस्पिटल में सुनने पर किसी को भी गुस्सा आएगा पापा। क्यों? मुझे मार लगने पर आपको रोना नहीं आएगा? आप क्यों पापा उनसे लड़ रहे हैं? दहेज चाहिए आपको? विजयवाड़ा में अच्छी कमाई की है ना आपने। मैं भी अमेरिका में अच्छा कमा रहा हूं पापा। शादी कर ले कहकर 2 साल मेरी जान खाई। कोई भी लड़की हो चलेगी क्या? मुझे शशि पसंद है, शशि चाहिए मुझे, इसलिए मैंने ही डिटेल्स पता करके आपको फोन किया था। आपके फालतू ट्रिक्स इस्तेमाल किए बिना शादी फिक्स करने के लिए कहा था, पहले ही कहा था मैंने आपसे, फिर भी आपने अपना रंग बता दिया। बेटा लेकिन हमारी रेंज का क्या मतलब? रेंज के नाम पर खुद के बेटे को आप बेच देंगे क्या? मुझे एक मेल प्रोस्टिट्यूट बना दिया है पापा। ची, ची, शर्म आ रही है मुझे। अच्छा सबक सिखाया तूने अपने बाप को। अरे आप क्यों मेरे पापा के बारे में बोल रहे हो? आप कम नहीं है। मैंने अमेरिका से आपसे फोन पर बात करते वक्त हर बात क्लियर की थी आपके साथ। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मेरे बारे में मैंने सब रिकॉर्ड करके एक डीवीडी में भेज दिया, ऐसा बोला था। आप देख लो, उसके बाद शशि को दिखा दो। आपको और उसको पसंद आए तो ये शादी फिक्स करना है, ऐसा मैंने कहा भी था। कहा था कि नहीं? मैंने इसकी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तो सोना है ऐसा कहा था। पर उसके मन में क्या है ये तो आप जान ही नहीं पाए सर। ग्रैंडली शादी करवानी है, अपने सम्मान के बारे में पूरे गांव को बताने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन खुद की बेटी, हाँ, उसकी शादी के बारे में उसको बताने के लिए और उसकी शादी के बारे में जानने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सडनली शादी मतलब कोई भी लड़की परेशान हो जाएगी ना। इतनी छोटी सी बात आपको क्यों समझ में नहीं आती है? खेत की भैंस और घर की बेटी में फर्क नहीं पता आपको? कैसे इंसान है आप सब लोग? छी! अरे वहां शशि को चोट लगी है, अभी भी प्रेस्टीज के लिए मूर्खों की तरह लड़ने के लिए रेडी हो गए। I really want to see both of you die, man. Both of you just die. 2 तलवार दे दो और दोनों एक दूसरे को मार दो। आप हमारे पिता हैं और आप हमारी शादी करवाएंगे? शशि मुझे मिली क्योंकि मेरा नसीब अच्छा था। शशि को मैं मिल गया इसलिए अच्छा हुआ, नहीं तो क्या हुआ होता? आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसी एक नादान लड़की लाखों रुपयों के जेवर पहनकर रोड पे घूमेगी तो परिस्थिति क्या है आपको पता है ना? बाहर के लोग भी आप लोगों की तरह ही हैं, पैसे चाहिए बस। शशि के साथ हर पल रहने के बाद भी मैं ही वो दूल्हा हूं, मैं ही अमेरिका का अभिमन्यु हूं, ऐसा एक बार भी कहने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई मां, सिर्फ आपके कारण, आप ही के कारण। आनंद नाम का झूठा नाम रखना पड़ा मुझे। सच कहूंगा तो डर जाएगी बेचारी, वो खुद का कुछ कर ना ले इसलिए, मुझे भी छोड़ के भाग जाएगी इसलिए मुझे, या फिर मैंने भी उसे आप लोगों की तरह धोखा दिया, वो डर से वो मुझे छोड़ के कहीं भाग ना जाए, ये डर था। समझी जी, जाओ। समझी जी मुबारक, आज हम लोग बहुत खुश हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? शशि आई एम रियली सॉरी। शशि, आई एम रियली सॉरी। प्लीज शशि, झूठ बोलना तो गलत ही है, बट मुझे क्या करूँ ये समझ में नहीं आया। अब फिर से लाइफ में कभी झूठ नहीं कहूँगा, आई स्वेयर। ओके, तुम्हें मुझे दहेज देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में हमारे घर में बहुत बड़ा किचन है, एक बहुत अच्छा कुक है, तो तुम्हें खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वॉशिंग मशीन है, चाहिए तो सारे कपड़े मैं धो दूंगा। प्लीज, आई थिंक आई एम नॉट अ यूजलेस गाय। अमेरिका में मैं बहुत ही अच्छा कमा रहा हूँ, सो तुम्हें जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ और पापा भी विजयवाड़ा में ही रहते हैं, तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। चाहो तो HIV टेस्ट भी इसी हॉस्पिटल में करवा लेता हूँ इमीडिएटली। फाइनली हमारी फर्स्ट नाइट भी तुम्हारी नानी के घर की छत पर ही होगी। पर साउंड अगर आएगा तो कहीं के शर्म आ रही है।